ताजी सागर सागर ऐसी करुणा पर से सुनने को अमृत वाणी को आ बैठे घर घर से ओ करुणा की सागर। दीदी नीलम दीदी कैसी व्यवस्था बताना कैदी भाइयों की, एक एक लाइन से आएंगे क्रम से वो बता दें। नहीं नहीं अर्घ चढ़ानी अर्घ। हाँ जी पांच पांच लोग आप भैया व्यवस्था बना दें। कैदी भाई यहाँ आएंगे अर्घ रखा है चढ़ा के अपने स्थान पर चले जाएंगे। पांच पांच लोगों को एक साथ भेजते जाए। चलिए छुदा प्यात जिनको नहीं छूती भव भव की भटकन अब छूटी तिरवन के जो नात कहते केवल जिन संज्ञा को पाते। ओम ब्रीम छदा महादोष रहित समोसनस्ते शिवस्वादी जिनेन्द्रिभ्यो नमः निर्गत प्राप्ते अर्घं प्रवपामिति। रहित पिपासा कोई न आशा निज का निज में ही है पास भक्ति भाव का थाल सजाया गुण गाने को मन ललचाया। ओम ब्रीम त्रसा महादोष रहित समोसनस्ते शिवस्वादी जिनेन्द्रिभ्यो नमः निर्गत प्राप्ते अर्घं प्रवपामिति। सात भयों का नाश किया है अस्त्र शस्त्र ना साथ लिया है प्रभु चरणों में जो भी आता वे उसका जल्दी भग जाता। ओम ब्रीम भय दो भय महादोष रहित समोसरण स्थित श्री विश्वादिक चतुर्विंशति। बेर महा दुखदाई जग में प्रभु पर तुमने नाश किया है क्रोधाग्नि का समता जल से भगवान तुमने शांत किया। ओम ब्रीम क्रोध महादोष रहित समोसरण स्थित श्री विश्वादिक चिनेन्द्रिभ्यो नमः निर्गत प्राप्ते अर्घं प्रवपामिति। जरा जर्जरित होती रहती प्रभु पर पास न आती है दोष दूर हो जाए मेरा भक्ति पास बुलाती है। ओम ब्रीम जरा महादोष रहित समोसन स्थित श्री विश्वादिक जिनेन्द्रिभ्यो नमः निर्गत प्राप्ते अर्घं प्रवपामिति। मान महाविष देखो जग में प्रियेश आ जाओ। ओ मान महाविष देखो जग में दुर्गति को ही पाया है इसे तजा है प्रभु वर तुमने इससे अर्घ चढ़ाया है। ओम ब्रीम मान महादोष रहित समोसन स्थित श्री विश्वादिक जिनेन्द्रिभ्यो नमः निर्गत प्राप्ते अर्घं प्रवपामिति। ओ महावीर की वाणी फिर से आ आ आ भटक रही है दुनिया सारी सही राह दिखला बोलिए महावीर भगवान की। ओ महावीर की वाणी फिर से आ आ आ भटक रही है दुनिया सारी सही राह दिखला। तीन लोक के नाथ बने हैं मृत्यु मल को नाश किया सर्व सुखी कहलाते भगवत अष्ट कर्म को जीत लिया है। ओम ब्रीम मृत्यु महादोषरे समोसन स्थिति विश्वादिक जिनेन्द्रिभ्यो नमः निर्गत प्राप्ते अर्घ्यं प्रवपामिति। रोम रोम में रोग भरे हैं रोगी तन्नश जाता है आत्म अनुभव करने वाला मुक्ति बधु को पाता है। ओम ब्रीम रोग महादोष रहित समोसन स्थित श्री विश्वादिक जिनेन्द्रिभ्यो नमः निर्गत प्राप्ते अर्घ्यं प्रवपामिति। चिंता रखित प्रभु वर वर तुम हो सब कर्मों का नाश हुआ आना जाना मिटा चुके हो शिव रमणी को प्राप्त किया। ओम ब्रीम चिंता महादोष रहित समोसन स्थित श्री विश्वादिक जिनेन्द्रिभ्यो नमः निर्गत प्राप्ते अर्घ्यं प्रवपामिति। मान महा दुखदाई जग में प्रभु वर तुमने नाश किया मार्तव गुणों सबका जल से भगवान तुमने प्राप्त किया। ओम ब्रीम मद महादोष रहित समोसन स्थित श्री विश्वादिक जिनेन्द्रिभ्यो नमः अर्घ्यं प्रवपामिति। राग देश का त्यागी बनकर निज आत्म अपनाया है सम्यक ज्ञान से प्यास बुझाई नाथ शरण में आया है। ओ विश्वादिक तीर्थंकर स्वामी मन मंदिर में आना राग द्वेष की बोछारों से प्रभुवर मुझे छुड़ाना। ओम ब्रीम राग महादोष रहित समोसरण स्थित विश्वादिक जिनेन्द्रिभ्यो नमः निर्गत प्राप्ते अर्घ्यं प्रवपामिति। महामोह सम्राट आपने मूल चूल से नाश मोह महामिथ्या त्याग कर अंतर ज्ञान प्रकाशा। ओ वृषभादिक तीर्थंकर स्वामी मन मंदिर में आना मोह आदि की बोछारों से प्रभुवर मुझे छुड़ाना। ओम ब्रीम मोह महादोष रहित समोसन स्थित श्री वृषभादिक जिनेन्द्रिभ्यो नमः अर्घ्यं प्रवपामिति। श्वेत रखित भगवन हो मेरे चरण शरण में आया करुणा सागर सल हृदय हो वेद समझ कर आया। ओ वृषभादिक तीर्थंकर स्वामी मन मंदिर में आना श्वेत दोष की बोछारों से प्रभुवर मुझे छुड़ाना। ओम ब्रीम श्वेत महादोष रहित समोसन स्थित श्री वृषभादिक जिनेन्द्रिभ्यो नमः अर्घ्यं प्रवपामिति। प्रभु भक्ति से भेद जान कर आत्म तत्व को पाऊं हर्ष विषाद रहित प्रभुवर को सादर अर्घ चढ़ाऊं। वृषभादिक तीर्थंकर स्वामी मन मंदिर में आना
ताकि द्वेष की बौछारों से प्रूवर मुझे छुड़ाना। ओम प्रीम प्रसाद महादोसरे समोसरण स्थित श्री विश्वाद जिनेन्द्रभ्यो नमः हरि घं प्रभा पामिति। सर्व जगत से करी मित्रता, ओ सर्व जगत से करी मित्रता, कभी नहीं सुख पाया, प्रभु आपने रति दोष को पूरी तरह नशाया। ओ वृषभादिक तीर्थंकर स्वामी मन मंदिर में आना, रति दोष की बौछारों से प्रूवर मुझे छुड़ाना। ओम प्रीम रति महादोसरे समोसरण स्थित श्री विश्वाद जिनेन्द्रभ्यो नमः हरि घं प्रभा पामिति। परत्रप्यों की भूख मिटा दी, आया शरण तुम्हारी, निंद्रा कर्म रहित हो भगवन, निंद्रा रोग है भारी। वृषभादिक तीर्थंकर स्वामी मन मंदिर में आना, निद्रा दोष की बौछारों से प्रभुवर मुझे छुड़ाना। ओम प्रीम निद्रा दोष रहित समोसरण स्थित श्री विश्वाद जिनेन्द्रभ्यो नमः हरि घं प्रभा पामिति। प्रभु आपका दर्शन पाकर निदर्शन को पाया, पुनर्जन्म से रहित प्रभु का अर्घ सजा कर लाया। वृषभादिक तीर्थंकर स्वामी मन मंदिर में आना, जन्म दोष की बौछारों से प्रभुवर मुझे छुड़ाना। ओम प्रीम जन्म महादोष रहित समोसरण स्थित श्री विश्वाद जिनेन्द्रभ्यो नमः हरि घं प्रभा पामिति। अरति दोष से रहित प्रभु जी इतनी शक्ति भरना, विषय भोग दो तज दो भगवन संयम पद पर बढ़ना। वृषभादिक तीर्थंकर स्वामी मन मंदिर में आना, अरति दोष की बौछारों से प्रभुवर मुझे छुड़ाना। ओम प्रीम अरति दोष रहित समोसरण स्थित श्री विश्वाद जिनेन्द्रभ्यो नमः हरि घं प्रभा पामिति। हरि घं प्रभा पामिति। पुराना कोई बड़ी जी ये आदेश माइंड कर लेना। तो चंद दिनों का जीना रे बंदे, ये दुनिया मकड़ी का जाल। चंद दिनों का जीना रे बंदे, ये दुनिया मकड़ी का जाल। क्यों डूबा विषयों में पगले, क्यों डूबा विषयों में पगले, हाल हुआ तेरा बेहाल। चंद दिनों का जीना रे बंदे, ये दुनिया मकड़ी का जाल। आठ दस दोषों से रहते मेरे प्रभु महाने, चरण कमल जो पूजता बन जाता भगवाने। क्यों डूबा विषयों में पकले, हाल हुआ तेरा बेहाल। चंद दिनों का जीना रे बंदे, ये दुनिया मकड़ी का जाल। ओम प्रीम अष्टादश दोष रहे समोसरण स्थित श्री विश्वाद जिनेन्द्रभ्यो नमः हरि घं प्राप्ते पूर्णर्घं प्रभु पामिति। चलिए जयमाल करते हैं। परम ब्रह्म परमात्मा गुण के हो आगार, जे माला मिलकर करूं मिले सो के भंडार। जुमा के हाँ जय माला में भक्ति करा सकते हैं। जे जे आदेश हो तो आपका, हम तो बंदे इंद्रगण भक्ति करेंगे वैसे। हाँ हाँ जी, और सभी इंद्र खड़े हो जाएं थोड़ी देर के लिए अपने स्थान पर। बढ़िया भक्ति के साथ आइएगा। अभी चलिए। तो प्रभु नाम की माला, अरे गुरु नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। सारे इंद्रगण आगे आएंगे भक्ति के लिए, आएंगे सभी आगे। बोलिए चौबीसों भगवान की, बोलिए भगवान के समोचरण की। प्रभु नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, प्रभु नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला हो, जपेगा कोई दिल वाला, वाला 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 वाला। प्रभु नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, प्रभु नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला।
इंद्रों के मेलों की पायल बजी, आशाएं दर्शन की मन में जगी। इंद्रों के पैरों की पायल बजी, आशाएं दर्शन की मन में जगी। जैसे घिर आए घिर आए घिर आए घिर मेघों की काली छटा, आज इस तंजरी में आए हाय आज इस जेल में। जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय 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 बोलो जय बोलो जय बोलो जय और भाइयों आप लोग भी अपने दोनों हाथ उठाएंगे। लाल लंगोटा हाथ में घोटा, लाल लंगोटा हाथ में घोटा, तेरी जय हो पवन कुमार मैं बाली जाऊं बालाजी। तेरी जय हो पवन कुमार मैं बाली जाऊं बालाजी। ओ मारा प्रभु जी को मुखड़ चमके, मारा रे प्रभु जी को, मारा प्रभु जी रो मुखड़ चमके, महिमा अपरम पार। चलेगा, एक बार इंद्र महाराज अपने ग्रुप में पहुंचे, अपने स्थान पर पहुंचे शीघ्रता के साथ में। अब बंदी भाइयों को आमंत्रित कर रहा हूँ, जो लोग अच्छा नृत्य करते मैं देखता हूँ, पिछली बार आया था बहुत सुंदर नृत्य करते, वो सभी बंदी भाई आ जाए और यहाँ बढ़िया इसकी परिक्रमा करते हुए बढ़िया नृत्य करेंगे। अजय जल्दी से, समय थोड़ा सा आएंगे संक्षिप्त है, बड़े पुण्य होते से अवसर आया। हाँ जी, इंद्र सभी अपने स्थान पर ही भक्ति करेंगे। लंबादार जिनको भी जो नृत्य करते हैं जैसा समोसरण का आ जाओ। चक्कर साहब जो भी हैं यहाँ आदेश कर दें। कुशवाहा सर जिनको भी आ जाओ, जो जो करते थे हर साल आ जाओ। आइएगा भाइयों, ये तो परमात्मा की भक्ति है। तो दिल में तू श्री राम की, तो दिल में तू श्री राम की ज्योति जगा के दे। अरे आएंगे 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 श्री राम वाले दिल से बुला के दे। आएंगे श्री राम वाले दिल से बुला के दे। सिमट के आई झूम रहे हैं हर एक पाई, हर्ष देखो बगिया सारी। अरे झीणो झीणो उड़े रे गुलाल के चलो रे बंद दिया हुए, होले होले उड़े रे गुलाल के चलो रे बंद दिया हुए। प्रभु जी तो मुखड़ दम के, मारा रे प्रभु जी को आह 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 ए, मारा प्रभु जी को मुखड़ दम के, महिमा अपरम पार के चलो जी सम शरण में। महिमा अपरम पार के चलो जी सम शरण में।
जी अमृत बरसे, रंग बरसे जी अमृत बरसे, अरे आज खाना पे अमृत बरसे, आज खाना पे अमृत बरसे। तालियां बजाओ जोर से, तालियां दोनों हाथ। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां। बजरी नगर में बधैया ओम ओम। चलिए ओम। सारे बंदी भाइयों से हम पूछ रहे हैं, आज के विधान में आनंद नहीं आ रहा क्या? यदि आ रहा तो जोरदार तालियां चाहिए हाथ उठा करके। एक की भी पीछे वालों की ताली नहीं उठ रही। सारे बंदी भाई हाथ उठाएंगे और इंद्राणी सारे लोग एक बार जरा जोरदार तालियां बजाएं। बोलिए भगवान राम की, बोलिए महावीर स्वामी भगवान की। नाश्ता नहीं करो, बोलिए संत शिरोमणि गुरुवार आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले परम बंदनी मारिका द्रणवती माता जी की, बोले समो शरण विधान की, समस्त तारिका संघ की। चलिए भैया आगे, फिर अभी आरती है तो बाद में करा लेंगे। चलिए जयमाला करें, चलिए जयमाला। परम ब्रह्म परमात्मा गुण के हो आगा, जयमाला मिलकर करो मिले सोके भंडार। जन्म मरण नाश कर अमर पति पालिया, जरा रोग नाश अजय रत्व का सुख लिया। दुबित संसार तट अचल पति से लजे, दुबित कर्म नाश कर अमल पति से सजे। समम शरण में प्रभु आप जहां राज थे, यदि राज आपकी असंख्य देव देविया आपको पूजते, मनुज गण आपके चरण को है सेवते। सिंह गाय एक साथ चरण में आवते, आपके प्रताप से सम्यक को है पावते। धन्य है शुभ घड़ी जन्म भी धन्य है, धन्य है ये दिवस हम सभी धन्य है। आप पद पूजते सर्व विपदा टले, जन्म मरण नाश हो मोक्ष संपदा मिले। आपसे प्रभु जी मेरी यही प्रार्थना, हर जन्म में मिले आपकी वंदना। नाथ मेरी सुनो एक ही अर्चना, आप सम में बनो मेरी भावना। भक्ति के प्रताप से मोक्ष सुख पाऊंगा, लौट के संसार में फिर कभी ना आऊंगा। ओम रीम समासन मंडित श्री चतुर्विंद शंकर जी निंद बिलवा जयमाला पूर्ण अर्घम निर्वपामिति।
समप शरण को देखकर धुलते कलमश कोश देव देवियां कर रहे प्रभु वर का जय घोष। चिपामी चलेगा, नौ बार जाप करेंगे। ओम ब्रीम समोसनस्ते श्री चतुर्विंतक जिनी दिभ्यो नमः। 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 चलिए आज हम विधान की यही पूजन करते हैं, समय अभाव है। आचार्य श्री की पूजन हम कर लेते हैं जल्दी से। पेज नंबर 30 30 नंबर पेज निकाल लीजिए और जल्दी से हम आचार्य गुरुदेव की भगवान की पूजन करेंगे, उसके बाद विसर्जन करके आगे का कार्यक्रम। हमारे सभी पदाधिकारीगण अपने स्थान पर यहाँ पर आ गए हैं, अपने स्थान पर स्थापना, हाँ स्थापना भी वही पहुंचे। चलिए बोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। तो ना इन साजोगी और ना इन सा त्यागी। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय हो। भैया जी कुछ समय तो है, हाँ बोल सकता हूँ। तो ना इन साजोगी ना इन सा त्यागी ना बीत रागी, बस उन धारा पे तप त्याग संयम चर्या है जिनकी। है संत ऐसे गुरु विद्यासागर, निर्दोष पालन करे ओ, 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 ओ निर्दोष पालन करे चरिया को जागी से सोते हो। संत विद्यासागर जैसे धरती पर भक्तों बार बार नहीं होते। अपने दोनों हाथों को उठाएंगे भाइयों, सभी उठाएंगे, हमारे केदी भाई भी उठाएंगे। आपके संप्रेषण का भाव, रहली में आचार्य भगवान विराजमान हैं, पहुंचना चाहिए कि सागर जेल में बंदी भाई उनके भक्त उनको याद कर रहे हैं दोनों हाथों से। ओ निर्दोष पालन करे ओ निर्दोष पालन करे चरिया को जागी सोते। संत विद्या सागर जैसे धरती पर भक्तों बार बार नहीं होते हो। संत विद्या सागर जैसे धरती पर भक्तों बार बार नहीं होते। श्री विद्यासागर के चरणों में झुका रहा अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या मन पड़ी स्वयं ही नवगाता। जय राम वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। निर्दोष पालन करे चरिया को जागते सोते। संत विद्यासागर जैसे धरती पर भक्तों बार बार नहीं होते। ओम रूमष्टो सदाचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्राय नमः। अत्र अवतर अवतर संभो षडिति आवाहनम्। ओम रूमष्टो सदाचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ढाढ़ाय स्थापनम्। ओम रूमष्टो सदाचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्र अत्तमम सन्हेतु भावसर सन्निधिकरणम्। परिपुष्पांजलिम छिपामि। तो ओ पूनम के चंदा गुरुवर तुमको अपना मानो, और मेरे घर के आंगन में एक बार खिलो तो जानो। ओ पूनम के चंदा गुरुवर तुमको अपना मानो, मेरे घर के आंगन। अभी आनंद नहीं आ रहा है, अपने दोनों हाथों को उठाएंगे, अपन फास्ट भी चलेंगे और अच्छे से भक्ति से चलेंगे, अपने दोनों हाथों को उठाएंगे।
अरे ओ पूनम के चंदा गुरुवर तुमको अपना मानो, ओ पूनम के चंदा गुरुवर तुमको अपना मानो, मेरे घर के आंगन में एक बार खिलो तो जानो। ओ पूनम के चंदा 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 चंदा, संसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाए, इस राग देश की बेतरैया जी अब तक पार नहीं पाए। संगीतकार जी भैया माइक सेट कर, श्रीफल दो, पुजारी जी श्रीफल लाए। देखिए आचार सी का अर्घी चढ़ाने हमारे मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस न्यायमूर्ति एन के जैन सर आ गए हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें, तालियां पूरे सदन की चाहिए, ताली का महोत्सव होना चाहिए। हमारे बीच डीजीपी जेल श्री अरविंद कुमार जी भी हमारे बीच है, जोरदार तालियां बजाएं। और हमारे बीच डीआईजी श्री संजय पांडे सर जी आ गए हैं, जोरदार तालियां। कमजोर हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पर कोई महोत्सव हो रहा है। हमारे सर जी भगवान को नमोस्तु करके आशीर्वाद लेंगे, फिर हमारे बीच पांडे सर को राजा वहां पहुंच के श्रीफल दिए। हाँ जी 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 जैसा आदेश जी जैसा आदेश माता जी को श्रीफल और एक एक श्रीफल और देंगे हमारे बीच। आप सबको बता दें बहुत सौभाग्य का विषय है, ये जो माता जी दिख रही है ना, ये सागर नगर का ही गौरव था, इनकी जन्म स्थली सागर की थी। और आचार्य भगवन की ज्येष्ठ श्रेष्ठ आरिकाओं में द्वितीय नंबर की आरिका है, पिछले 30 साल से साधना कर रही है। बोली आरिका माँ दृढ़मती माता जी की, माता जी के चरणों में 35 साल से कर रही है। माता जी के चरणों में हमारे मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एन के जैन सर, उनकी धर्मपत्नी और माता जी हमारे डीजीपी जेल श्री अरविंद कुमार जी और डीआईजी संजय पांडे सर जी, ये आपसे श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद चाह रहे हैं। हर जन्म में सर से निवेदन है कि सर कह रहे हैं आचार सी का अर्घ चढ़ेगा और उसके बाद फिर द्वितीय सत्र अपन प्रारंभ करेंगे। आइए सर, हाँ शुरू करो पूजन। हाँ, संसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को फरमाया, इस राग देश की बेतरने से अब तक पार नहीं पाए, तब विद्या सिंधु के जलकण से भवकालस धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंद काटने आया। विद्यासागर जी महानिंद्राण महाजन जन तुम जलम प्रभापामिति, क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया, निशांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया, सब शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। जेल अधीक्षक जी से निवेदन है श्री राकेश भांगरी सर जी से, बेबी यहाँ पर आ जाए। अच्छा उनको लेने गए, ठीक है सर जी, निवेदन है बैठ जाएंगे, पूजन हो रही है। ओम ब्रह्मष्टो सत्याचार्य श्री विद्यासागर जी महानिंद्रा नमः भवता बनासना चंद्रम प्रभापामिति, जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना, अक्षय पद मुझको मिल जावे तब ज्ञान अरुण की किरणों हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ब्रह्मष्टो सदाचार्य श्री विद्यासागर जी महानिंद्राण नमः खंडेक्षे प्राप्त स्थान प्रभापामिति, हो इस विषय भोग की मदिरा पी में बना सदा से मत बाला, कृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला, मैं काम भाव विद्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके मैं बाप हृदय में लाया हूँ। ओम ब्रह्मष्टो सदाचार्य श्री विद्यासागर जी महानिंद्राण नमः काम बाण बिंदु स्नेह पुष्प पाणि रूपामिति, इस सुधा लोक की व्यथा कथा भवन में कहता आया, अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ, नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ब्रह्मष्टो सदाचार्य श्री विद्यासागर जी महानिंद्राण नमः सुधारु बिंदु स्नेह नैवेद्यम प्रभापामिति, मोह अंधकार से व्याकुल हो निज में उन्हें ही मैंने पहचाना, मैं राग देश में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस बचाना, हे दीप समर्पित हे मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला। ओम ब्रह्मष्टो सदाचार्य श्री विद्यासागर जी महानिंद्राण नमः महामोहनकार विनाशने देव दीपम प्रभापामिति, इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक ये माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म चाह रहा अपना नाता, शुभ अशुभ कर्म सब लिप्त है मैं
में इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए गुरु के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम नमः सदाचार्य श्री विद्यासागर जी महामंत्र नमः अष्ट दुष्ट कंदने धूपम प्रवपामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा बाइबिल बेटा मुझे ठिकाना है। ओम ब्रह्म स्तो सदाचार्य श्री विद्यासागर जी महामंत्र नमः महाकुशल प्राप्त इष्ट फल प्राप्त फलम प्रवपामिति। जग के बेबक को पाकर मैं निज दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, मैं अरुण भावना भाता है। ओम ब्रह्म स्तो सदाचार्य श्री विद्यासागर जी महामंत्र नमः अनर्घ पद प्राप्त अर्घम प्रवपामिति। सहा जय माला। जिस देश में जिस भेष में जिस गांव में रहो, गुरु पूजा करो गुरु भक्ति करो और दोनों ही करते रहो। हे गुरुवर तेरे गुण गाने अर्पित है जीवन के क्षण क्षण, हर जन के सुमन समर्पित है हर शाय जगती के कण कण। कर्नाटक के सदलगा ग्राम में मुनिवर तुमने जन्म लिया, वल्लभा पूज्य पिता श्री को हर श्रीमंती कत कत किया। बचपन के इस विद्याधर में विद्या के सागर उमड़ पड़े, मुनि राज देश भूषण से तुम व्रत ब्रह्मचर्य ले निकल पड़े। आचार्य ज्ञान सागर ने सन 68 में मुनि पद दे डाला, अजमेर नगर में हुआ उदित मानो रवि तम हरने वाला। परिवार तुम्हारा सबका सब जिन पथ पर चलने वाला है, मैं भेद ज्ञान की छेनी से गिर कर्म काटने वाला है। तुम स्वयं तीर्थ से पावन हो, तुम हो अपने में समय सार, तुम शादवाद के प्रस्तोता वाणी वीणा के मधुर तार। तुम कुंद कुंद के कुंदन से कुंदन सा जग को कर देना, तुम निकल पड़े बस इसीलिए भटके अटकों को पत देना। मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती है, वाणी कल्याणी है अनुपम करुणा के झरने झरती है। तुम में कैसा सम्मोहन है या है कोई जादू टोना, जो दर्श तुम्हारे कर पाता नहीं चाहे कभी तिलक होना। इस अल्प उम्र में भी तुमने साहित्य सृजन अति कर डाला, जैन गीत गागर में तुमने मानो सागर भर डाला। हे शब्द नहीं गुण गाने को, गाना भी मेरा अनजाना, स्वर ताल छंद में क्या जानो, केवल भक्ति में रम जाना। भावों की निर्मल सरिता में अविगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यही अर्घ बैठने लाया हूँ। हे तपोमूर्ति हे आराधक हे योगेश्वर हे महासन, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम रुम स्तोत्र सदाचार्य श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय सर्वेषां अनर्घ पद प्राप्त जय बाला पूर्णार्घम निर्भवामी सहित आशीर्वाद पुष्पांजलि शुभामी। जलगंध अक्षत पुष्प चरुफल दीप धूपायन धरो, ध्यानत करो निर्भय जगत सजोर कर विनती करो। समेत गण गिरनार चंपा पाप अपरि कैलाश को पूजो सदा 24 दिन निर्वाण भूमि निवास को। ओम श्री चतुर्थ गण निर्वाण क्षेत्र पर महानर्घ पद प्राप्त है अर्घम प्रवपामिति। जल चंदन अक्षत फूल चरुवरु दीप धूप अधि फल लाभो, पूजा कोठान जो तुम ज्ञान सो नरदयान सुख पावो। तीर्थंकर की ध्वनि गण धर ने सुनी अंग्रज चुनि ज्ञानमयी, सो जिनवर वाणी शिव सुखदानी तिरवर मानी पूज्य। ओम ह्रीं श्री मुखदेव भगवानी भक्ति सहस्त्र देव ब्रह्म अर्घम प्रवपामिति। शुभरण की थाल भराए सुचि आठों द्रव मिलाए, गुरु पंच परम सुखदाई हम पूजे ध्यान लगाए। ओम ब्री मंगलो तो सण उपर में चिपिन मार्ग मंडर पामति। मध्य करने के प्रधान मन गंबा इष्ट पत्रो दरे सिद्धांत सूरी परांस पाठक गुरुन साधुन स्तिक पत्र गान, सद्धर्म गम चेत चेत निल्यान कोण स्तिक पत्र गान, पत्य सर्व सुरा सुरेन महितान तानस देश्टे अजे। ओम ब्री सी अरस सिताचार उपत्य सर्व साधु जिन्हां। ओम ब्री मरा दाली नम देवे भ्यो नमा अर्गम निर्भ पामी ती स्वाहा, मैं देव सिरी अरहंत पूजो सिद्ध पूजो चाप सो आचारी श्री उपजाए पूजो साधु पूजो भाव सो अरहंत भाषण में पूजो
शांग्र के गणी पूजू दिगंबर गुरु चरण शिव हेत सब आशा सर्वक वासी धर्म रस विदया मैं पूजू सदा जी भावना सोड़ श्रुता त्र जा बिना सिम नहीं कदा त्रिलोक के कृतिम अकृतिम चेत चेत्याले जो मन में गुरु नदी सर्जनाले खजर सर पूजित भजो कैलाश श्री शमेत गिर गिरनार में पूजू सदा चंपापुरी पावापुरी पुनि और तीरथ सर्वदा जो भी श्री गिरिराज पूजू भी श्री क्षेत्र में देह के नामा बोली एक सह सुबह जब होए पश्चिम के सुनो जल गंधक छत पुष्प चरु दीप धूप फल लाए सर पूज बत पूज हूं बहुविधि भक्ति बना ओम निवरम शिव परि ऊपर पदे सप्त पूज पदे पुनः महार्घम प्रवपामिति महाअर्घम निर्वपामिति स्वाहा शांतिनाथ मोक्षस्य नहारे शील गुण प्रसयम धारी लगन 108 विराजे त्रिगत नयन कमंडल ताजे पंचम चक्रपति भंडारी सोलम तीर्थंकर सुकारी इंद्र नरेंद्र पूज्य नायक नमो शांति शांति विराय दिपट पुष्पन की वर्षा दुंदवी आशन वाणी सरसा छत चमरवा मंडल वारी एतम प्रातिहारी मनहारी शांति जिने शांत सुखदाई जगत पूज पूजो से नाई परम शांति जे हम सबको पढ़े तेने पुण्य चार संको पूजे जिने मुकुट हार गिरी लाके इंद्र आदि देव पूज पद आप जाके सो शांतिनाथ परमंस जगत प्रदीप मेरी शांति संभोजकों को प्रतिपालकों को यतीनकों को यतीनायकों को राजा प्रजा सुदेश को लेकर शांति को दे सारी प्रजा को सुख बलित तो धर्म धरी निरेशा होवे वर्षा समय पे तिल भरना रहे व्याधियों का अंदेशा होवे चोरी ने जारी सुसमय वर्ते ना दोष काल बारी सारे देवधन जन व्यवस्था को जो सदा शोककारी कर्म नाश कर पायो केवल राज शांति करो शांति करो शांति करो सब जगत में वृषभादिक जिनरा दोनों हाथों को जोड़े शास्त्रों कहो पठन सुखदा लाभ सत्संगति का सदवतों का सुस कहके दोष्टा को सभी का बोलो प्यारे बचन के आपका रूप ध्याऊं तो नो से उचरण जन के मोक्ष जो ना पाऊं तव पद में नहीं मैं मम ही तेरे पुनि चरणों में तब लड़ने पर जो ना पाए मुक्ति पद में नहीं अक्षर पद मात्र से दोष जो कुछ कहा गया हो मुझसे क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो प्रभु सो सब करुणा करी पुनि छुड़ाऊं भव दुख से हे जगवंत जिनेश्वर पाऊं तब चरण शरण बलहारी मरण समाधि सुदुर्लभ कर्मों का छय सबो सुखकारी इत्या सर्वदा परिपुष्पांजलि चपामि शांति भक्ति समाधि भक्ति प्रतिभा का सरगम करूं मैं हम अब हम कार्यक्रम को हाँ नहीं हमें मालूम है समय से चलेंगे परम बंदी माता जी के चरणों में निवेदन करते हुए माता जी हमारे अधिकारी लोग यहाँ पर आए हैं तो एक द्वितीय सत्र हम यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं आशीर्वाद चाहेंगे बंदा भी माता जी हम अपने कार्यक्रम के आज के जो हमारे मुख्य अतिथि जी हैं मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जी से निवेदन करते हैं कि वे हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति दें हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे DGP जेल श्री अरविंद कुमार जी हैं उनसे निवेदन चाहते हैं उनसे करते हैं कि वे हमें कार्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति दें बैठ जाओ भैया कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं सबके मन में एक ही बात है कि जेल के अंदर ऐसा कार्यक्रम क्या वजह है तो आप सबको बताना चाहते हैं कि हम पुलिस की नौकरी में थे और हमें भी भगवान की सत्ता पर भरोसा नहीं था लेकिन कुछ जीवन में ऐसा घटा तो लगा कि जहां व्यक्ति पूरा पुरुषार्थ कर लेता है उसके बाद कोई एक ऐसी अव्यक्त सत्ता है जो हमें दिखती तो नहीं है जो सुनाई तो नहीं पड़ती है लेकिन कुछ ऐसा है जो करता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की थ्योरी तो ये कहती है कि हर चीज का ढलान की ओर जाने का नियम है हम तो वो पानी के जो नारियल है उनके बारे में साइंस से पूछना चाहते हैं विज्ञान से पूछना चाहते हैं वो कौन सी थ्योरी ऐसी होती है कि पेड़ से पानी के नारियलों में कौन उसमें ड्रिप लगाता है कौन इंजेक्शन लगाता है कौन ऐसे पाइप लगाता है कि वो नारियल के पानियों के अंदर पानी भर जाता है बस हमारे कुछ जीवन के ऐसे प्रश्न हैं क्या वजह होती है कि हमारे डॉक्टर्स लोग जितने पढ़े लिखे होते हैं लाखों करोड़ों रुपए का ऑपरेशन कर देते हैं सर्जरी कर देते हैं और लास्ट में वो ये कहते हैं अब ऊपर वाला मुझे हाथ उठा के जो कहते हैं ना कि उसके ऊपर बचा तो ये ऊपर वाला कौन है तो मुझे ये बात समझ में आई इस नौकरी में रहते हुए जब आचार्य भगवान से मिले आचार्य विद्यासागर महाराज जी के दर्शन किए और उनको देखा तो लगा कि भगवान तो हमने नहीं देखे हैं लेकिन साक्षात भगवान ही आचार्य विद्यासागर जी महाराज हैं और बस मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ और मैंने जब नौकरी छोड़ी मैंने गुरुदेव से कहा कि मुझे दीक्षा चाहिए तो उन्होंने कहा कुछ तुम्हें समाज के लिए करना पड़ेगा एक छोटी सी बात है जो आपके सामने रख रहे हैं कि एक बार किंवदंती है पर किंवदंती भी प्रेरणादायक होती है एक व्यक्ति मर करके यमराज के पास पहुंचा वहां यमराज जी ने हिसाब किताब किया किस्मत की बात उसके पुण्य और पाप बिल्कुल बराबर में थे तो उन्हें पूछा एक बात बताओ स्वर्ग जाओगे कि नरक तो ना उसने स्वर्ग देखा था नरक बोले एक काम करो मेरी विजिट करा दो पहले समझ में आ जाए वहां चला जाऊंगा
तो बोले कहाँ चले, तो बोले नीचे की तरफ चलते हैं, पहले नीचे ढलान में जाना अच्छा रहता है। तो गया तो नरक में देखा कि साहब बहुत अच्छी टाउन प्लानिंग के साथ शहर बसे हुए हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, घोड़ा गाड़ी जो वैभव होता ना वो सब कुछ वहां था, लेकिन वो जो नारकी लोग रहते थे उनकी एक बस एक ही विशेषता थी कि उनके यहाँ से ज्वाइंट से कोहनी से हाथ बड़े बड़े थे, और ये जो अपनी ट्विस्टिंग होती है ये उनके अंदर सिस्टम नहीं था। हाथ बड़े थे तो जैसे खाने को करते थे तो हाथ यहाँ चला जाता था, मुंह में नहीं जाता था, क्योंकि ये हाथ काफी बड़े हुए थे। उसने देखा कि वहां सब कुछ है, वो बहुत अच्छा खाना बन रहा, सब कुछ है, लेकिन त्राही मान क्योंकि वो खा नहीं पा रहे थे, उठाते तो यहाँ हाथ चला जाता था। देख के आ गया, कुछ नहीं, स्वर्ग में गया। स्वर्ग में गया तो सेम वही टाउन प्लानिंग कंट्री, वही सब कुछ वैभव, सब कुछ वही, और वहां की भी यही कंडीशन कि वहां जो देव थे उनके भी हाथ इतनी बड़े बड़े थे कि मुंह में हाथ नहीं जाता था, लेकिन वहां शांति थी। क्यों शांति थी? तो बस एक ही चीज का अंतर था कि नरक में व्यक्ति ये चाह रहा था कि मैं अपने हाथों से खाऊं, मैं अपने आप को सुखी रखूं, लेकिन वहां देवताओं के अंदर एक विशेष बुद्धि, एक विशेष प्रज्ञा थी। उन्होंने सोचा हम अपने हाथों से तो नहीं खा सकते, लेकिन सामने वाले को बैठा लेकर और खिलाएंगे। तो वहां हर कोई एक ही काम कर रहा था, एक दूसरे को खिला रहा। बंधुओं, स्वर्ग और नरक की सिर्फ यही व्यवस्था है, और हमारे गुरुदेव ने हमें यह सिखाया है कि आप दूसरे को चंदन लगाएंगे तो ये तो निश्चित है कि हाथ महकेंगे। और इसी परंपरा, इसी विधा को लेकर के आचार्य भगवान ने हमें सागर जेल में भेजा। आज डीजीपी सर को मैं ये बताना चाहती हूँ, सर मेरी कोई औकात नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं। मैंने आचार्य भगवान से ये कहा कि मैं जेल जाऊंगी, कैसे सिखाऊंगी, क्या करूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे विधान पूजन होते हैं। और आपको बताएं, मैं दावे से बोलती हूँ, इस 42 एकड़ जेल की आप ऊर्जा को कहीं नपवा लीजिए, चेक करा लीजिए, इस प्रांगण की जो ऊर्जा है और बाकी जेल की जो ऊर्जा है वो नापने वाला जो आएगा, क्योंकि इंदौर में राजेंद्र वास्तुशास्त्री हैं, जब ये परिसर बन रहा था, हथकरघे का शेड बन रहा था, तब वो आए थे। और यहाँ पर हम लोग प्रतिदिन बंदी भाई के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, तो तांबे की छड़ लाए थे, कॉपर की छड़ लाए थे, और जब उन्हें ऊर्जा नापी, वो खासकर ये पीपल के पास अपने आदिश्वर स्वामी भगवान बैठे हुए हैं, यहाँ की उन्हें ऊर्जा नापी तो उन्होंने कहा कि दीदी पूरे जेल की ऊर्जा में और यहाँ की ऊर्जा में बहुत अंतर है, और उसका कारण यही है। बस इतना सा बताना चाहते हैं, धर्म कुछ भी नहीं है, ये कर्मकांड है कि हम फलाने भगवान का नाम ले, फलानी क्रिया करें, लेकिन धर्म इतना जरूर है कि जितना जितना हमारे अंदर मानवता का अंश बढ़ेगा, जितनी जितनी नैतिकता बढ़ेगी, और जितना जितना हम दूसरों के बारे में सोच पाएंगे, समझ लीजिए बस वही धर्म है। और आज उसी भावना को लेके आपको बता दें, ये 3रा साल है कि यहाँ पर बैठ के विधान हो रहा, और इन बंदी भाइयों का पुण्य इतना गजब का है कि ये सोचते हैं और इनका काम होता है, इनको मालूम है। पिछले 2 साल में हमें माता जी और महाराज जी का साधन नहीं मिला, लेकिन हमारे बीच परम बंदी आर्या दृढ़मती माता जी को सागर आना था, तो हमने तालियां मत बजाओ, तुम लोग थके हारे लोग हो, निराश लोग हो, नहीं तो ताली बजाने में जोश होता है, ताली वो नहीं बजाते, बजाओ थोड़ा एक बार ताली अच्छे से बजा दो सारे लोगों को, सारा समुदाय। हमने गुरुदेव से कहा कि आचार्य सी माता जी आ रही है, यदि उनका सानिध्य मिल जाए। सर आपको बता दें, 35 साल की साधना है, पद यात्रा करने वाली है, माता जी हैं, एक बार भोजन लेने वाली हैं, बालों को खुद अपने हाथों से निकाल के रखती, इतनी कठिन साधना है, और आप ही समझ लीजिए 53-54 साल की उम्र की हैं ये माता जी लोग, इस उम्र में भी किसी का भला हो जाए इस भावना से यहाँ गोपालगंज मंदिर में आकर के विराजमान हुई, और यहाँ जेल के लिए उन्होंने समय दिया। हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, जैसा होता है कार्यक्रम में मंगलाचरण होता, भाई राम सिंह बंदी को यहाँ पर बुला रहे हैं कि वो यहाँ पर आए और अपना मंगलाचरण करें। मंगलाचरण इसलिए कराया जाता है कि हर कार्य मंगल सानंद संपन्न हो। आ जाए भाई राम सिंह बंदी। सर हम ये बताना चाहते हैं, जेल बहुत अच्छी जगह है, सुधारात्मक सेवाएं नाम दिया है, तो हम तो ये चाहते हैं कि जो सुधार है वो दिखना भी चाहिए, और पिछले 4 सालों से मुझे जेल में आने मिल रहा है, इनका जो मेंटल स्टेटस चेंज हो रहा है, इनकी जो मेंटलिटी चेंज हो रही है, वो मुझे समझ में आ रही है। भाई राम सिंह आइए। परम पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज की, परम पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज की, देखिए जयकारों में अभी कंजूसी है आप लोगों की,
जयकारा जोर से लगाइए, क्योंकि ऐसा लगने चाहिए कि इंद्रजीत सागर में आज विधान हो रहा है। बोलिए विद्यासागर महाराज की, आचार्य विद्यासागर महाराज की। अभी भी आवाज नहीं आ रही, एक बार फिर लगाएं। परम वंदनी मां दणमती विद्या, मां दणमती जी की, परम वंदनी मां दणमती जी की। हाँ तो चलते हैं। तालियां। मुश्किलों में जब हमने आपको पुकारा है, 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 आपने 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 हमें आकर जेल में संभाला है, आपने हमें आकर जेल में संभाला है, मुश्किलों में जब हमने आपको पुकारा है। जाओ महाराज की। हम अनाथ बेघर थे, खा रहे थे ठोकर थे, हम अनाथ बेघर थे, खा रहे थे ठोकर थे, हम अनाथ बेघर थे, खा रहे थे ठोकर थे, आके मेरे गुरुवर ने दे दिया सहारा है, आके मेरे गुरुवर ने दे दिया सहारा है, तो हमने आपको पुकारा है। के साथ जुर्म के अंधेरे में कहना है कि अपने दुखों में रोने वालों, अपने दुखों में रोने वालों और दूसरों के दुख दर्द में आंसू बहाना, सीख लो कि जो मजा खाने में नहीं वो खिलाने में है, जो मजा खाने में नहीं वो खिलाने में है, अरे जिंदगी में तुम किसी के काम आना सीख लो। खो गया तमें आकर जुर्म के अंधेरे में, खो गया तमें आकर जुर्म के अंधेरे में, तुमने मेरे
तुमने मेरे जीवन में कर दिया उजाला है, तुमने मेरे जीवन में कर दिया उजाला है। मुश्किलों में जब हमने आपको पुकारा है, बहुत ही मैं नादान, मुझको ज्ञान दे दो तुम, बहुत ही मैं नादान, मुझको ज्ञान दे दो तुम, बहुत ही मैं नादान। नात तू, नात तू, नात तू जमाने को, अरे ज्ञान देने वाला है, नात तू जमाने को ज्ञान देने वाला है। मुश्किलों में जब हमने आपको पुकारा है, देखिए जब मेरी सांसें टूटें तो मेरे मुख पे नाम श्री आचार्य विद्यासागर महाराज का होने चाहिए। तो कहना है कि मुझ गमजदा को आपने दर पे बुला लिया, ए गुरुवर, मुझ गमजदा को आपने दर पे बुला लिया और दामन में बड़े बाबा ने मुझको छुपा लिया, कि गुरुवर का मेरे मुझ पे एहसान देखिए, मुझ जैसे बद नसीब को अपना बना लिया। बोल विद्यासागर महाराज की। मेरी सांस टूटे तब मुँह पे नाम हो गुरुवर, मेरी सांस टूटे जब मुख पे नाम हो गुरुवर, मेरी सांस टूटे जब, मेरी सांस टूटे जब मुख पे नाम हो गुरुवर, मैं जपूंगा, मैं जपूंगा, मैं जपूंगा तेरे ही नाम की जो माला है, मैं जपूंगा तेरे ही नाम की जो माला है। मुश्किलों में जब हमने आपको पुकारा है, मुश्किलों में जब हमने आपको पुकारा है, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे जीवन बिता रहा हूँ, जैसी भी निभ रही है वैसी निभा रहा हूँ। तुम राजदा हो गुरुवर, सब दिल की जानते हो, फिर भी मैं हाल दिल ये तुमको सुना रहा हूँ। सारे जहाँ में हमको तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है याद सदा दिल में जीने का सहारा है, एहसान जमाने का नहीं मुझको कबारा है। गुरुवर तुम्हारे दर से जाऊं तो कहां जाऊं, मेरा तो इसी दर के टुकड़ों पे गुजारा है। रखी है लाज तुमने हर हर मुकाम पर यूं, बस तुम दया ही करना अपने गुलाम पर यूं। गम को मेरे मिटा कर खुशियों को भर दिया है, तुमने मेरे मुनीबर जादू सा कर दिया है। जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, कि तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया है, खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया है, तुमने
खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया है। हम अनाथ बेघर थे, खा रहे थे ठोकर थे, आपने आपने हमें आकर खेत में संभाला है। बहुत जोरदार तालियों के साथ हम ये बताना चाहते हैं, इन्हें कोई जेल में सिखाया नहीं, इनका खुद का ये कौशल है। पर ये था एक छोटी सी गलती, हमने कहा ना पाप हम भी करते हैं ये भी करते हैं, हमारे पाप छुपे हैं इसलिए हम मंचों पे हैं, इनके पाप छप गए इसलिए जेल में है। दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पापी और अपराधी ना हो। बस गुरुदेव यही कहते हैं कि एक क्षण की गलती के लिए ठीक है, वो हमारे न्याय की व्यवस्था है कि 14 साल 20 साल और आजीवन कारावास देते हैं, लेकिन क्या उनको जीवन को बदलने का अवसर नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। यदि लगता है इसने सही गाया तो एक बार जोरदार तालियां दें। और कार्यक्रम के आगे बढ़ाते हुए चित्र के अनावरण के लिए, हमारे आचार्य भगवान के चित्र के अनावरण के लिए हम माननीय मध्य प्रदेश आयोग के अध्यक्ष, मानव आयोग के अध्यक्ष जस्टिस श्री एन के जैन सर, मधु भाभी जी, डीजीपी सर हमारे अरविंद कुमार जी, और खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के स्टेट डायरेक्टर प्रवीण कुमार जी सर को यहाँ पर हम बुला रहे हैं। साथ में हमारे DIG संजय पांडे जी हैं, जेल अधीक्षक जी से निवेदन है कि वे भी आ जाएं। अभी अनुभव श्रीवास्तव मैडम को भी आना है, अब जो लेट आते आएंगे कार्यक्रम चलता रहेगा। आइए सर चित्र का अनावरण करेंगे। दिवाकर जी हमारे साथ हैं, नरेश दिवाकर जी, डॉक्टर साकल्य सर जी हैं, सभी जितने अतिथि हैं, और पराग जैन सर और वीरभान सर भी आए हुए हैं। आइए सब लोग गुरु जी के चित्र का अनावरण करेंगे। और जैसी कि भारत की परंपरा है, हम अपने अतिथियों को यदि बुलाते हैं तो दिल से जान से बुलाते हैं, उनका सम्मान करते हैं। हमारे यहाँ महेश भैया जी पहुंचेंगे, हमारे कार्यक्रम के नहीं, सागर के नहीं, हमारे भारत के अध्यक्ष हैं श्री महेश मिलेरा जी। ऐसे भामाशाह हैं जिनके बारे में हम इतना बता सकते हैं कि इनको खुद अपनी कितनी संपदा है इसका ज्ञान नहीं है। हम धन वालों को नहीं, धन के त्याग करने वालों को स्मरण करते हैं। और महेश भैया ने अपने जीवन में इतना दिया है, इतना दिया है धर्म के क्षेत्र में कि कुछ मत पूछिए। चित्र का पहले अनावरण हो रहा है, जोरदार तालियां बजाएं। संगीतकार जी दो लाइन गाते जल्दी जी। ये मूरत देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं, ये मूरत देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं, तुम्हारे दर्श को पाकर तमन्ना भूल जाते हैं, ये मूरत देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। और अब हम अपने अतिथियों का शीघ्रता से सम्मान करेंगे क्योंकि इसके बाद सबका समय की सीमाएं हैं। हम अंतर में पावन अध्यक्ष जी मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग जी के सम्मान के लिए यहाँ पर बुला रहे हैं महेश भैया विलहरा जो कि हमारी समाज के अध्यक्ष हैं, इस केंद्रीय जेल के जो प्रमुख हैं जेल अधीक्षक श्री राकेश भांगरे जी सर को, इस प्रोग्राम में हमारे चक्रवर्ती बने हुए हैं श्री अरुण आरोही जी, राकेश भैया पटना जी और सुभाष जैन जी दीलनगर से बैठ करके आए। तीनों भैया आ जाए, प्रियेश भैया आप यहाँ पर आए, और मुख्य अतिथि का हम चंदन बंदन करके माला पहना करके, और हाँ प्रियेश भैया है ना, भैया अभी सौ धर्मेंद्र इसलिए बुला लिया ना हमने, और माला ले ले भैया, सुभाष भैया इधर है माला ले, प्रियेश भैया इधर ला जाओ। हमारे मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन है, यहाँ पर सामने सारे लोग देखना चाहेंगे। एक पारा सर जी ले आओ, वो रखा है जो सर जी सबका यही जल्दी से सम्मान करेंगे। आइए हमारे मुख्य अतिथि प्रियेश भैया आगे आइए, महेश भैया जी ठीक है चंदन लगा करके पहले सर इनका हो जाए। हम बंदन करते हैं अभिनंदन करते हैं, सामने से नहीं सामने से दिखना चाहिए सबको। हम बंदन करते हैं, लाओ पाराशर जी जल्दी लाओ मुख्य अतिथि जी का उपहार सम्मान। मधु भाभी जी सर, मधु भाभी जी आइए, भाभियों के सम्मान के लिए हम उषा भाभी हमारे तीनों चक्रवर्ती नहीं अब वो तो परंपरा है, आई आई सुप्रीता भाभी, शशि भाभी और साधना भाभी
तीनों आ जाए, चारों लोग। भैया थोड़ा आप लोग दूर हो, हमारी भाभियों का सम्मान हो रहा दिखना चाहिए। भैया आप लोग फोटोग्राफर नहीं, हमने सिर्फ प्राइवेट अलाउ किया है, यहाँ के फोटो हम जहाँ चाहेंगे वहाँ जाएंगे, बाकी अलाउ नहीं है। तो आप सबको स्पष्ट बता दें, हमारा फोटोग्राफर से हम जो फोटो का अनुबंध है वो कहीं नहीं जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाभी जी को एक मिनट, भैया आप लोग तो लगो भाभी, अरे भाभी आइए ना सामने। हाँ टीका चंदन कर दिया, अरे भैया अरुण थोड़ा किनारे हो जाओ, भाभी का हो रहा सम्मान। हाँ तालियां आप लोग बजाइए, कहना पड़ता है। हाँ चलिए हमारे बीच, चलिए हमारे बीच सर अपना स्थान लेंगे, अभी बुला रहे हैं। हमारे बीच डीजीपी अरविंद कुमार जी भी विराजमान हैं, उनका सम्मान करने के लिए हम अपनी पुनः चक्रवर्ती गणों से महेश भैया, विलहरा जी से, प्रियेश भैया जी से निवेदन करेंगे। हाँ भाभी इधर आ जाओ, सर आप बैठे ना। हाँ सर, बस अभी बुला, चंदन लगाओ, माला लगाओ ना। हाँ अरे जेल अधीक्षक साहब आप क्यों नहीं बुके दे रहे हो, वहाँ इधर आइए ना, इनको भी बुके देना है, डीजीपी सर को, जेल अधीक्षक साहब से निवेदन है। आप अपना ऐसा नहीं है। हाँ तालियां जोर से बजाइए, ताली वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, ताली तो वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। आपके जेल के सबसे बड़े अधिकारी का सम्मान हो रहा है, पूरा केंद्रीय जेल सागर, सागर की जैन समाज। और अब हमारे बीच खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के स्टेट डायरेक्टर प्रवीण कुमार जी सर से निवेदन है, वो यहाँ पर आए और उनका सम्मान हमारे चक्रवर्ती गण चंदन वंदन करके माला पहना करके खादी ग्राम उद्योग आयोग जी महासेन नंदन जेल अधीक्षक साहब बुके दे सुस्वागतम हो, हो सुस्वागतम। हमारे बीच जेल विभाग के डीआईजी श्री संजय पांडे जी भी हैं, मैं उन्हें यहाँ सादर आमंत्रित कर रही हूँ। संजय पांडे जी सर यहाँ पर आए, मैं आपको बताऊँ भोपाल गए हमने इनसे कहा, पांडे सर का एक ही रिश्ता आप जान पाओगे कि अपने यहाँ परम पूज्य प्रसाद सागर महाराज जी हैं और पांडे सर बचपन से साथ साथ पढ़े हैं, सिहोरा के रहने वाले हैं। रश्मि दीदी भी यहाँ पर है, रश्मि दीदी जानती हैं। तालियां कमजोर हैं, हमें आनंद नहीं आ रहा है, क्यों नहीं बजा पा रहे हो भाई। जेल अधीक्षक साहब सुस्वागतम हो, हो सुस्वागतम। हमारे बीच सिवनी से नरेश दिवाकर जी हैं, विशीघ्रता से आ जाए, उनका सम्मान हमारे चक्रवर्ती गण कर देंगे, नरेश दिवाकर जी का। अलबेला मौसम कहता है स्वागत। देखिए खादी ग्राम उद्योग निगम बोर्ड के अध्यक्ष जितेंद्र लटोरिया जी कल रात में चल के विदिशा तक आए और उनको कमर में दर्द हुआ, उन्होंने विदिशा उतर के डॉक्टर को चेक कराया, डॉक्टर ने कहा रेस्ट करना पड़ेगा, सो विदिशा में ही विश्राम कर रहे हैं। उनको लेकर के आने वाले नरेश दिवाकर जी थे, अब वो जब रेस्ट हो जाएगा तब आएंगे। अभी हमारे बीच हस्तशिल्प विकास निगम की MD श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव जी को भी आना है, वो जब आएंगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। हम आरती का कार्यक्रम भैया रह गया था, भगवान जी की आरती जरूरी वो करवा दीजिए, फिर उसके बाद हमारे अतिथि गणों से 10-10 5-5 मिनट का व्याख्यान हो जाएगा। चलिए आरती के लिए हमारे बंदी भाई लोग भी आ जाएं और संगीतकार जी से निवेदन है 5 मिनट की आरती करा दें, 3 मिनट की बस, क्योंकि समय की सीमा है। हाँ। जैसा आदेश दीदी। बरेदी टीम भैया आवाज सुन रहे हैं तो जल्दी आए दौड़ के। चलिए दीप प्रज्वलन करेंगे आरती, जल्दी 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 भैया, नहीं तो फिर आरती का मुख्य काम है वो रह जाता है, भगवान जी की आरती हुए बगैर कहीं श्री समो शरण भगवान उतारे आरतिया, श्री समो शरण भगवान उतारे आरतिया, उतारे आरतिया, उतारे आरतिया, उतारे आरतिया, उतारे आरतिया,
समो शरण भगवान उतारे आरतियाँ। चतुर्मुखी भगवान विराजे चतुर्मुखी, चतुर्मुखी भगवान विराजे कीर्ति अमृत वाणी उतारे आरतियाँ। तेरी समो शरण भगवान उतारे आरतियाँ। चलिए, आरती तो बहुत बड़ी है लेकिन समय की सीमाएं हैं और अब हम बढ़ाएं पहुंचे अपने अपनी जगह पे पहुंचे। सभी निंद्राणी हमारे बीच खादी ग्राम उद्योग आयोग के एक बात सभी हमारे जो अतिथि गण आए हैं उनको हम ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जितने निंद्राणी बैठे हुए हैं रंग बिरंगी ड्रेसों में, जेल में जब भी विधान होता है तो एक ही नियम होता है कि बाहर का कोई कपड़ा नहीं होगा। हमारे जेल के बंदी भाइयों ने जो कपड़ा बनाया है, ये जो देख रहे हैं आप इतना मल्टी कलर, ये सब हमारे जेल के बंदी भाइयों ने बनाया है और ये निंद्राणी पहन करके आए हैं। बंदियों की ताली नहीं चाहिए अब तो हमें, निंद्राणियों की ताली चाहिए बंदियों के लिए, और अधिकारियों की ताली चाहिए। देखिए सर, हम खादी ग्राम उद्योग आयोग के डायरेक्टर साहब को बताना चाहते हैं, अभी आपको निरीक्षण करवाएंगे हम। ये हमारे, सोचिए आप, इतना अच्छा कलर डिजाइन, और आपको बता दें दुनिया में सिखाने वाला सबसे अच्छा ऊपर वाला है। मैं आदरणीय खादी ग्राम उद्योग के आयोग श्री प्रवीण कुमार जी को यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ कि 2 मिनट का अपना वक्तव्य दें और उसके बाद फिर क्रमशः जो है और वक्तव्य होंगे। आदरणीय प्रवीण कुमार सर। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ रेखा जैन जी का, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में, इस भव्य कार्यक्रम में आमंत्रित किया और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं इस कार्यक्रम में भाग लूँ। ओम, एक मिनट, हमारे बीच हस्तशिल विकास निगम की मैनेजिंग डायरेक्टर MD श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव जी भी पधार रही हैं। थोड़े से ये लोग लेट हो गए हैं लेकिन एक बार जोरदार ताली के साथ आप अपनी बात चालू करिए। आदरणीय मैडम जी को हम यहाँ पर सादर आमंत्रित करते हैं। हाँ सर, चालू रखें। साथ ही मैं श्री AK जैन जी, अरविंद कुमार जी, जितेंद्र जी और अनुभा मैडम भी आ गई हैं, इन सभी को भी इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। जहाँ तक खादी और ग्राम उद्योग का की बात है, खादी ग्राम उद्योग जनरली शहरों में रोजगार उपलब्ध करना हमारी जानकारी में आसान है, लेकिन ग्रामीण स्तर पर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना वो थोड़ा कठिन काम है। और खादी ग्राम उद्योग पिछले 75-76 सालों से ये कार्य कर रही है। खादी का मतलब ये है कि खादी, ज़्यादातर जो जनरली ये लोग समझते हैं कि हैंडलूम और खादी दोनों एक चीज़ है, एक्चुअली दोनों अलग अलग सेक्टर है। इसमें हाथ से काटा हुआ और हाथ से बुना हुआ वो खादी कहलाता है। और हम पिछले कई वर्षों से मध्य प्रदेश के अंदर में पिछले 4-5 सालों से हम लोगों ने बहुत बहुत सारे कार्य किए हैं। विस्तृत जानकारी जब आप लोग, हम लोग संपर्क करेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। और साथ साथ हम यहाँ इस जेल प्रांगण के अंदर में जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनके लिए भी हम बहुत उत्सुक हैं और हम देखना चाहते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले इसी संस्था के आदमी ने मुझसे बात की थी, उसमें कहा था उन्होंने कि उन्हें कपास मिलने में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने उन्हें कहा था कि ठीक है, हम आपको कपास उपलब्ध करा देंगे। और हमने कुछ कराया भी था और हम प्रयास कर रहे हैं, जितना संभव हो सकता है हम इस संस्था को मदद करने के लिए तैयार बैठे हैं। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गुरुजी का
जिस समय हथकरघा को प्रारंभ किया था तो गुरुजी की यही भावना थी कि धागा भी बनाएं। और आपको बता दें, अभी आप निरीक्षण करने जाएंगे तो माननीय डीजीपी साहब और जेल अधीक्षक राकेश भांगरे जी के सहयोग से यहाँ पे हमने 9 अंबर चरखे लगाए हैं। और आपको बताएं, महिला बंदी, हमारी जो महिला बंदी बहनें हैं वो उस पर धागा बनाती हैं। और अभी आप जाके देखेंगे कि खादी में भी हमने ऑर्गेनिक खादी में काम किया है, तो ये सारे काम किए हैं। बस एक बात जरूर रखना चाहते हैं, अब हमारी हस्तशिल्प विकास निगम की एमडी भी आ गई है और खादी ग्राम उद्योग आयोग के डायरेक्टर भी बैठे हैं। एक पीड़ा मेरे दिमाग में है और माननीय डीजीपी सर से भी निवेदन करूंगी और हमारे जो मुख्य अतिथि उनसे भी कहना चाहते हैं कि आपके विभाग के, मध्य प्रदेश शासन के और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी प्रोजेक्ट आते हैं, चाहे वो ट्रेनिंग संबंधी हो, चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, उसमें जब हम अपने बंदी भाइयों का नाम लिख करके भेजते हैं तो वहाँ से ये कहकर के लौटा दिया जाता है कि ये अधिकृत नहीं है। आज शासन प्रशासन से हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या जेल में रहने वाले हमारे बंदी भाई भारत के नागरिक नहीं हैं? अभी हमने कबीर पुरस्कार के लिए अपने यहाँ से 3 बंदियों के नाम भेजे, फाइल चल करके यहाँ से हस्तशिल्प विकास निगम तक, वहाँ भोपाल तक पहुँची और हम इस उम्मीद में थे कि हमारे बंदी भाइयों का जैसा कॉम्पिटिशन में आपको रखना, जैसी प्रतियोगिता रखें, हमने जो सिखाया है, जो इनने सीखा है उस पर हमें विश्वास था। लेकिन बहुत दुख हुआ कि 15 दिन बाद वो फाइल लौट करके यहाँ ये कह करके लौट के आ गई कि नहीं, जेल के बंदी भाइयों के लिए नियमावली नहीं है। आज खुला मेरा कहना है कि यदि आपके विभाग में ऐसी कोई नियमावली है कि आप इनको भारत का नागरिक नहीं मानते, ये बात सच है, गलती हुई। और फिर बोलते हैं इनके पाप छप गए इसलिए यहाँ है, हमारे आपके पाप छुपे हैं इसलिए हम मंचों पर हैं। ये बिल्कुल सच है, इसको सुन के कोई को बुरा भी लगता हो तो मुझे इससे दिक्कत नहीं। मेरा आप दोनों एमडी लोगों से निवेदन है कि आप हमारे बंदियों का जेल में, और ये जेल का प्रोजेक्ट साहब आचार्य विद्यासागर जी के आशीर्वाद से चल रहा है, यहाँ पे जो राकेश भांगरे जी हैं, इतनी बड़ी 10,260 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग, जैन समाज, गुरुदेव ने कहा तो जैन समाज ने अपने दान के दरवाजे खोल दिए और दान से ये बिल्डिंग तैयार की। जो हथकरघे के उपकरण चाहिए तो वो दिया, धागा दिया। और जेल विभाग की मैं हमेशा ऋणी रहूंगी, इसलिए ऋणी रहूंगी कि यदि वो हम पे विश्वास नहीं करते तो ये बात तो सही है, दुनिया में बहुत से एनजीओ, बहुत से ट्रस्ट चल रहे हैं, क्या काला पीला नीला करते पता नहीं, लेकिन आपने, जेल विभाग ने हम पे विश्वास किया। आज 4 साल से बंदी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और इनकी कला को अब इससे बड़ा कोई उदाहरण हम नहीं दिखा सकते हैं। ये जितने वस्त्र पहने हैं, माननीय मैडम से हमारा कहना है, ये हमारे इंदिरा रानी जितने वस्त्र पहने ये हमारे जेल के बंदियों ने तैयार किए हैं। और सारे वस्त्र यहाँ पर जो इंदिरा रानी पहनते हैं, हम ये प्रोग्राम इसीलिए रखते हैं, एक कारण ये भी है, जेल के बंदी जब इंदिरा रानियों को देखते तो उन्हें बहुत खुशी होती, तो धीरे धीरे आपस में, सुनो जे वाली हमने बनाई थी, जे कुर्ता हमने बनाया था, आप कैसे प्रोत्साहित करेंगे। तो ये स्थिति है। हमारे बीच एमडी अनुभा श्रीवास्तव मैडम जी आई, हम उनको यहाँ पे सम्मान बुलाते हैं, उनका सम्मान करने के लिए अनुशासिता भाभी आए, रश्मि दीदी आए और प्रियेश भाभी आए यहाँ पर आए और अनिल नैनधरा भैया यहाँ पर आए। आइए मैडम, हमारा हाँ माता जी को श्रीफल चढ़वाएं, पहले मैडम जी यहाँ तक आ जाए, भगवान जी को श्रीफल चढ़वा दें। हाँ अच्छा, आप लोग नहीं समझते, वरिष्ठ IAS अफसर हैं हस्तशिल्प विकास निगम में। मैडम पहले भगवान जी को श्रीफल चढ़ा दें आप, उनका आशीर्वाद मिल जाएगा और फिर दूसरा श्रीफल दें। हमारे बीच परम बन्नी आरिका मदृढ़मती माता जी विराजमान हैं। एक बात और बता दें, यदि आपको जीवन में ये समझ में आए कि हमें प्रेरणा किन से मिली, तो आचार्य भगवान तो पुरुष हैं, उनकी एक लिमिट होती है, लेकिन माता जी के कारण से हम लोगों को प्रेरणा मिलती है और हम लोग इस मार्ग पर चलते हैं। जोरदार तालियां, आपकी आज बहुत कमजोर हैं। और अनिल भैया जल्दी आओ, दीदी चंदन ले लो, चंदन श्रीफल दो, माला दे दो, भाभी लोग भैया दीदी का सम्मान करेंगे, भैया साथ में रहेंगे, आपको भी हम जो भेंट दे रहे हैं वो भी हमारी जेल की है, लीजिए भाभी लगाओ। आप लोग चाहें, यदि लगता है कि अच्छे काम हो रहे तो अच्छे कामों का उत्साह वर्धन होना चाहिए, तालियां बजना चाहिए, हम तो ये जानते हैं। और भाभी दीदी जल्दी करो, और माननीय मैडम से हम निवेदन करेंगे, अभी उन्होंने देखा तो कुछ भी नहीं क्योंकि वे देखने आई हैं, हथकरघा नहीं देखा, लेकिन फिर भी 2 शब्द उनके भी चाहेंगे। और बस हमारा इतना कहना है कि यदि हमारे गुरुदेव जेल के बंदियों के लिए इतना सोचते हैं तो हम चाहते हैं मध्य प्रदेश शासन और केंद्रीय शासन दोनों हमारे बंदियों को इस उससे विधा से मुक्त कर दें कि
कि इनको हम पुरस्कार नहीं दे सकते, इनको ट्रेनिंग नहीं दे सकते। PMKY में हमने प्रोजेक्ट लगाया, वहां से लिख के आया कि जेल के लिए नहीं देंगे। तो हम ये बस ये ना एक ही प्रश्न हमारे दिमाग में है, क्या ये भारत के नागरिक नहीं है? यशोधरा राजे सिंधिया मैडम भी यहाँ पर आई थी, हमने उनसे भी ये चीज कही थी, और आज तो हमारे बीच हॉस्टल विकास निगम की MD बैठी हैं सामने हैं। हम उनसे कहेंगे अपना वक्तव्य दें और फिर हमें आगे सहयोग करें। धन्यवाद आदरणीय न्यायमूर्ति जैन साहब, आदरणीय अरविंद कुमार जी, आदरणीय रेखा जी, यहाँ उपस्थित जेल विभाग के सभी हमारे कलीग्स, खादी बोर्ड के श्री प्रवीर कुमार जी, सभी यहाँ पर उपस्थित जितने भी सम्मानीय हमारे यहाँ की प्रबुद्ध, एक अलग ही वाइब्स आ रही हैं यहाँ आने के बाद में। बहुत सुंदर अनुभूति हुई यहाँ घुसते से ही कि इतने अनुशासित तरीके से आप लोग बैठे हुए हैं और सारा जो माहौल है सृजनात्मकता से भरपूर है। मैं MD हस्तशिल्प के अलावा MD खादी बोर्ड और वर्तमान में आयुक्त हाथकरघा भी हूँ, और रेखा जी ने जो मेंशन किया कबीर विश्वकर्मा पुरस्कार के लिए, तो अभी वो फाइनल हुआ नहीं है, तो अभी आप कोई भी प्रकार की मायूसी ना रखें क्योंकि अभी वो प्रोसेस चल रही है। तो जो आपने पॉइंट आउट किए हैं, जो भी कठिनाइयाँ, जो चुनौतियाँ, तो हम लोग डेफिनेटली उसको देखेंगे, और कोई कारण नहीं बनता है कि इतना सुंदर काम करने के बाद भी आप उसमें शामिल ना हो सकें। अगर कोई टेक्निकल इशू होगा हम उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अपने अभी तक के जो कुटीर के जो कार्यकाल में मैंने महसूस किया है कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारा परिश्रम इसमें जाता है। कोई भी हैंडलूम का प्रोडक्ट बनाना कितना कठिन है, अब आप लोगों ने इसको अनुभव करके भी जान लिया होगा कि कितने सारे लोग इससे जुड़ते हैं, कितनी सारी प्रक्रियाएं हैं, रुई से स्टार्ट होकर धागा बनाना और फिर उसका पूरा डिज़ाइनिंग। कुछ हम लोगों ने हेरिटेज मध्य प्रदेश की जो धरोहर है, हमारी विश्व धरोहर, उसको संरक्षित करने के लिए जब चंदेरी ग्वालियर के किले की इस तरह की डिज़ाइंस बनाना चालू की साड़ियों पर, तब समझ में आया कि उसको करघे पर लेने में कितना सारा समय लगता है, फिर उसको बनाने में 3 से 4 महीना लगता है। अथक परिश्रम है और बहुत ही सारी क्रिएटिविटी इसमें जुड़ती है। तो बहुत सारा श्रम साध्य ये है, बहुत सारा क्रिएटिविटी है। आप सब लोग उस धरोहर को संजोए हुए हैं। महात्मा गांधी जी की जो परिकल्पना थी हमारे देश के बारे में और ग्राम स्वरोजगार के बारे में, उस प्रवाह को आप बनाए हुए हैं। और जो कुछ भी आपसे जो भी एक्ट हुआ जिसकी वजह से आप यहाँ हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो परिवर्तन लाना है वो हम स्वयं ही तो लाएंगे। महात्मा गांधी जी ने ही यह कहा था कि इफ़ यू वॉन्ट टू ब्रिंग एनी चेंज यू हैव टू बी द चेंज योर सेल्फ। तो बहुत सुंदर ये इनिशिएटिव है कि आपको यहाँ इस परिसर में भी अपने आप को बदलने और अपने जीवन को एक सार्थक दिशा देने का अवसर मिल पा रहा है, और वो भी इतने सुंदर तरीके से। तो आप सबको बहुत बधाई कि आप इस जो भी आपको दिशा दी गई उसको आपने ग्रहण किया। पहली बात तो ये है कि हम अपने आप को उसके लिए तैयार करें कि हम इस कार्य से जुड़ना चाहें, वो परिश्रम करें, उसे सीखें, एक नई आर्ट को सीखें, और फिर यहाँ से निकलने के बाद में अपना जीवन उस दिशा में मोड़ें। ये निर्णय लेना भी आपके लिए बहुत कठिन रहा होगा और आपने बहुत परिश्रम इसके लिए किया होगा, तो उसके लिए भी आपको बहुत बधाई और साधुवाद इस पूरे आपका जो पूरा इनिशिएटिव रहा है इतना सुंदर, उसके लिए भी। और जैसा प्रवीर कुमार जी ने कहा कि हम लोगों के लेवल से जो भी कुछ इसमें मदद संभव होगी, या कोई भी किसी प्रकार का प्रशिक्षण या किसी भी तरह का हमारा इसमें कोई इनपुट अगर आ सके, जो इसको और अच्छा, कुछ और बेहतर तरीके दे सके, कुछ मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज हम लोग आपको बता सके, एक्सपोर्ट का कुछ हो सके, जो भी हमारे स्तर पर हो सकेगा, हम इस प्रवाह से ज़रूर जुड़ना चाहेंगे। और बहुत सारा काम है जो आपके कुछ प्रोडक्ट्स मैंने देखे भी हैं पहले, तो जो ये बहुत ही सुंदर काम है, और इसमें हमको और बेहतर डिज़ाइन और बेहतर प्रोडक्ट डेवलपमेंट और डाइवर्सिफिकेशन के तरफ भी सोचना चाहिए। और आपने बड़ा अच्छा बताया कि यहाँ अब आप धागा भी बनाने लगे हैं, तो जो खादी की जैसे बात होती है कि धागा भी हाथ का बुना हुआ होना चाहिए, तो वो भी अब आप उस दिशा में यदि जा रहे हैं तो ये और भी बेहतर बात है, बहुत सुंदर बात है, तो उसके लिए भी आपको बधाई। और सभी लोगों को मैं ये अश्योर करना चाहूँगी कि हमारी तरफ से जो भी बेहतर हम कर सकेंगे, और अगर हम वापस जाकर आपस में अपनी टीम से भी मैं इस पर चर्चा करूँगी कि हम यहाँ के लिए और हमारी ओर से हम क्या कर सकते हैं, और जो आपकी चुनौतियाँ हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। परिहसर का अवलोकन मैं करूँगी, मगर जो मैंने अभी तक सुना उसके हिसाब से मुझे विश्वास है कि आप बहुत ही सुंदर काम कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम
रेखा जी को विशेष धन्यवाद और हमारे अध्यक्ष जी को भी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। बहुत सारी कृतज्ञता और ग्रेटिट्यूड मेरी तरफ से, थैंक यू। गिफ्ट। और अब हम समय की सीमाएं हैं, हम अपने बीच मध्य प्रदेश जेल के महानिदेशक श्री अरविंद कुमार जी को सम्मान जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं कि वो आकर के अपने आशीर्वचन हम लोगों को दें। सर के बारे में सिर्फ हम इतना कहना चाहते हैं कि इसके पूर्व जो संजय चौधरी डीजीपी साहब थे उनसे हमारी परिचय थी, सर से नहीं थी, लेकिन उनसे कई गुना ज़्यादा बड़े भाई ने हमें आशीर्वाद दिया, सहयोग किया। ऐसे श्री अरविंद कुमार जी डीजीपी साहब को तालियां, आपकी बहुत कमजोर, हमारे दिल में ये बात रह जाएगी, यदि हमारा कोई प्रमुख आया होता ना तो हाथ उठा करके तालियां बजाते। ये पीछे का पूरा सदन दिख रहा है जो हाथ नहीं उठा रहे हैं। आदरणीय सर धन्यवाद। बहन डॉक्टर रेखा जैन, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जस्टिस श्री एन के जैन, अध्यक्ष मानवाधिकार आयोग श्रीमती जैन, श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड, श्री प्रवीण कुमार निदेशक खादी ग्राम उद्योग, मेरे अन्य साथी जो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, सभी मंच पे आसीन आदरणीय जैन समाज के साध्वी और हमारे भाई जो आज इधर उपस्थित हैं, ये मेरा जीवन का संभवतः पहला मौका है कि मैं किसी इस प्रकार के कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूँ। और रेखा दीदी का जो अनुरोध करने का जो तरीका है वो ऐसा आदेशात्मक होता है कि उसको ना कर पाना संभव ही नहीं, लेकिन आज यहाँ आके मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये और जल्दी हो जाता तो अच्छा था। तो मैं यहाँ से अत्यंत प्रफुल्लित, अत्यंत प्रसन्नचित होके जाऊँगा, लौटूंगा, और प्रयास ये रहेगा कि आपका अगली बार का न्योता जब भी प्राप्त होगा तो उस बार मैं दौड़ा चला। दिगंबराचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से एवं वात्सल्य मूर्ति यारिका रत्न 105 दृढ़मती माता जी की उपस्थिति में संवचरण विधान का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य बंदियों को सभी धर्मों के प्रति आस्था बनाए रखना, अच्छे आचरण एवं सकारात्मक ऊर्जा का विकास करना है, जिससे बंदी भाइयों में व्याप्त बदले की भावना, हिंसा की भावना को परिवर्तित कर अहिंसा के मार्ग पर चलने एवं मन की शुद्धि करने हेतु प्रेरित करना है, जिससे बंदी विश्व कल्याणकारी भावनाओं से जुड़ सकें तथा सुखद एवं पवित्र वातावरण का लाभ प्राप्त कर सकें। दिगंबराचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज का बृहद आशीर्वाद केंद्रीय जेल सागर को मिला है, जिससे बंदियों के पुनरुत्थान हेतु केंद्रीय जेल सागर में हथकरघा स्थापित किया गया है, जो बंदियों को अहिंसा के मार्ग पर ले जाते हुए उनके स्वरोजगार को सुनिश्चित करता है तथा जेल से रिहा होने के उपरांत वे अपनी आजीविका सुचारू रूप से संचालित कर सकते हैं एवं स्वाभिमान से स्वयं का एवं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। केंद्रीय जेल सागर मध्य प्रदेश की प्रथम जेल है जो बंदियों के रोजगार हेतु इस प्रकार का प्रयास कर रही है, जिससे रिहा होने के उपरांत बंदियों को स्वाभिमान पूर्वक स्वरोजगार प्राप्त हो सके। और मुझे पूरी उम्मीद है और हमारे प्रयास रहेंगे कि ये तो पहली है, इन्होंने मार्ग प्रशस्त किया है और हम आगे अन्य जेलों में भी ये प्रयोग लागू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और आधा मिनट का समय लूंगा। मैं चूंकि जेल परिसर में आया हूं, विभाग की जवाबदारी मेरे ऊपर है, पिछले दो वर्षों से, ढाई वर्षों से हमारे बंदियों को बहुत न्यूनतम सुविधाएं हैं, परिवार से मिलने का बहुत कम समय मिल पाता है, और पिछले दो वर्षों में तो कई कई महीने लगातार ये व्यवस्था बंद रही, फिर चालू हुई तो उसमें भी कमी की गई, लेकिन आज मुझे
इस मौके पर इस पावन मंच की ओर से मुझे ये कहने में अत्यंत खुशी है कि हम जो अब कोरोना के पूर्व की जो व्यवस्था थी, जो आप लोग सप्ताह में एक दिन और सप्ताह में दो दिन की व्यवस्था मुलाकात की परिवार से थी, उसको हम अब पुनः लागू करेंगे। आज इसकी मैं विधिवत घोषणा करता हूं और मेरी जेल प्रबंधन से भी एक अनुरोध है, आदेश तो हम कागज़ पे लिखते रहेंगे कि कोई गलती हो भी जाती है, हमसे होती है, आपसे भी होती है, तो और बहुत से तरीके हैं गलतियों को सुधारने के लिए, लेकिन सबसे आखिर में जो है वो मुलाकात प्रभावित होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम मुलाकात रोकते हैं तो बंदी का तो जो विश्वास टूटता ही है, वो जो उसके घर में उसका परिवार है, माँ बाप हैं, बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा प्रभाव उनको पड़ता है, उनको भी सजा मिलती है। तो मेरा अनुरोध है मेरे जेल विभाग के साथियों के साथ कि ये दंड जो है ये इसको बिल्कुल ना के बराबर कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। पैरोल हमने पिछले साल में इतनी ज़्यादा बढ़ा दी, सारी लगभग 80% अपीलें हमने स्वीकार कर दी, पुरानी फाइलों में मैंने देखा है ये इसलिए नहीं करना है, ये भाग जाएंगे, कोई भागा क्या? हमने 6-7 हज़ार लोगों को 300 दिन तक के लिए पिछले साल हमने पैरोल दे दी, कोई नहीं भागा, सब वापस आए, व्यवस्था चल रही है। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि हमने जो आप पे विश्वास प्रकट किया, आपने उसको हमको एक लेश मात्र भी हमें शंका नहीं हुई कि ये हमने कुछ किसी प्रकार की गलती की। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज डॉक्टर रेखा जैन, आदरणीय सभी हमारे इधर मंच पे उपस्थित साथी सभी का धन्यवाद देता हूँ, और जैसा मैंने शुरू में कहा इस प्रकार के कार्यक्रम और आगे होंगे, मेरा सौभाग्य होगा उनमें सम्मिलित होना। धन्यवाद, जय। कहते हैं होंगे दयालु तो देंगे बुला के, वो कौन जाए देने, वो आएंगे घर आके। देखो बंदी भाइयों, तुम्हारी श्रद्धा भगवान पे है, गुरुदेव पे है, और उसका परिणाम आप देख रहे हैं। हमने कहा ना बहुत उदार माना है हमारे DGP सर, आपको यही चाहिए ना कि घर वालों से मुलाकात होती रहे, घर जल्दी जाते रहो, और एक समय ऐसा आए कि इस घर से, इस जेल से मुक्त हो जाओ। और गुरुदेव भी तुमसे इस प्रांगण में कह करके गए थे कि अब गलती नहीं करना। मैं आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय के यहाँ सम्मान बुलाना चाहती हूँ, लेकिन अजय हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस काम को जो आप देख रहे ना, मैंने पहले भी कहा था मेरी कोई हैसियत नहीं, मेरी कोई औकात नहीं। यदि जेल विभाग ने हमें नहीं सहारा दिया होता, 2018 में हमारे जेल अधीक्षक राकेश भांगरी जी थे, ये दोबारा फिर पदस्थ हुए हैं। उस समय जब इनसे हमने कहा कि सर यहाँ पर हथकरघा चालू करना, और ये आचार्य भगवान के पास गए, इस बात के हम साक्षी हैं कि इतनी बड़ी बिल्डिंग बिना इंजीनियर के, बिना बाहर के, यहाँ की जेल बंदियों के भाइयों के सहयोग से हमारे जेल अधीक्षक राकेश भांगरी जी ने बनाई है। आज हमारा बहुत मन है कि जो हमारे कर तो सभी कोई अच्छा काम रहे, लेकिन एक परंपरा है, 5 लोगों का सम्मान हम अपने मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से करवाना चाहते हैं। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय जी यहाँ पर आ जाएं, और सबसे पहले हम जेल अधीक्षक श्री राकेश भांगरी जी को यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं कि वो आए, और माननीय DGP सर से भी कहेंगे, सर आप जेल के प्रमुख हैं, यदि आप भी अपने हाथों से हमारे इन अधिकारियों का प्रशंसा पत्र दे देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि कार्य तो प्रशंसनीय कर रहे हैं। लाए पाराशर जी और अनिल भैया नैंदर यहाँ पर आए, ये लेकर के प्रमाण पत्र उनको दें। और इसलिए कराते हैं सर कि जो अच्छे काम करते हैं ना, उनकी पीठ जरूर थपथपानी चाहिए। और ऐसे हमारे राकेश भांगरी जी ने सर 2018 में ये जो बिल्डिंग ये तैयार की थी, और अभी भी आए हैं। एक बात आपसे कहना चाहते हैं, ITI जेल हथकरघा खुलना है, उसकी फाइल पूरी पड़ी है। आज हम DGP साहब से ये कहना चाहते हैं सर, उसको चालू करने में संस्था सक्री सम्यक दर्शन पूरा सहयोग करें, जोरदार तालियां बजाएं। हमारे भी जेलर श्री रामलाल सहलाम सर हैं, इन्होंने हमें बहुत सहयोग किया है। सहयोग ऐसा किया है सर कि हम बहुत सी गलतियां कर देते होंगे, लेकिन ये लोग हमारे बंदी भाइयों को हथकरघा के सहयोग करते हैं। हमारे बीच उप जेल अधीक्षक श्री नागेन चौधरी जी हैं, हम उनका भी सम्मान करवाना चाहेंगे, प्रशंसा पत्र दिलाना चाहेंगे। श्री नागेन चौधरी जी आए। हमारे बीच मुख्य प्रहरी श्री महेंद्र तिवारी जी, वो यहाँ पर आ जाएं, चीफ साहब हैं वो। ये कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो आप लोग नहीं जानते, हम लोग जानते हैं, जल्दी से आए। तिवारी जी बाहर हैं। हमारे बीच प्रहरी संजय पाराशर हैं, एक ऐसे व्यक्ति को हम MD मैडम से कहना चाहते हैं, मैडम देखें आप, ये तो है वैसे जेल विभाग के,
लेकिन 4 साल से ये यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे हैं और हमारा दावा है कि आपका मास्टर ट्रेनर जो नहीं कर पाता वो ये संजय पारा सर जानते हैं। और हम यहाँ ITI खोलना चाहते हैं। आपको बता दें पिछले कोरोना से हमने ट्रेनर नहीं रखे, महेश्वर चंदेरी के थे, थोड़ा सा लिटिल विस्की नॉट विस्की होती थी, तो वो कोरोना के समय हमने उनको अलग किया था हमारे। और निशा सिंह महिला प्रहरी, निशा सिंह जल्दी आ जाए, उधर खड़े नहीं रहना था, आपको पता था ये। और आपको ये बताना चाहते हैं मैडम, हमारे पास ट्रेनर नहीं है, ये संजय पारा सर जी और हमारे बंदी भाई, अभी आप देखेंगे जाकार्ड से, बूटा से, बूटी से, डॉबी से, जोड़नी भरन, बीम भरन, ताना भरन, सब काम करके जानते हैं। और हमने इनको कह दिया है कि आपका है, आपको संभालना है, संभाल रहे हैं। निशा सिंह जल्दी आ जाए प्लीज दीदी, दे भैया पहुंचाएं। और बस अब हम मुख्य अतिथि महोदय को सुनना चाहेंगे। हमें एक ऐसे अतिथि मिले जो जिनके पास पद है मानव अधिकार आयोग का, और सही मानव बनाने में इनकी भूमिका रही। और आज हम आपको एक बात और बता दें, सर ने हमें तीसरी बार ये सौभाग्य दिया, 3 विधान हैं और 3 विधान के आप साक्षी हैं। एक बार पूरा सदन जोरदार तालियों से उनका सम्मान करें, आदरणीय मुख्य अतिथि। सभी को जय जिनेन्द्र। शासन नायक 1083 महावीर स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की। श्री 1008 समवसरण विधान की जय। वात्सल्य मूर्ति आरिका रत्न 105 श्री दृढ़मती माता जी। ससंग के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री अरविंद कुमार जी, DGP जेल मध्य प्रदेश, श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव जी, प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम, श्री प्रवीण कुमार जी, राज्य निदेशक खादी और ग्रामोद्योग आयोग भोपाल, सभी भैयागण, सागर जैन समाज के अध्यक्ष व अन्य सभी मेरे भाइयों व बहनों, दीदी डॉक्टर रेखा जैन व अन्य दीदियाँ, यहाँ सागर जैन सागर सेंट्रल जेल के अध्यक्ष अधीक्षक श्री राकेश भांगरे जी, सभी कैदी भाइयों व बहनों व सभी उपस्थित अन्य जिनको मैंने नहीं एड्रेस किया उन सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। ये सक्रिय सम्यक दर्शन सहकार संघ जो ट्रस्ट है उनके द्वारा एवं सकल जैन समाज सागर के तत्वावधान में केंद्रीय जेल सागर में यह 1008 समवसरण विधानसभा का जो आयोजन किया गया है, मैं 2 बार पहले भी प्रथम विधान में भी आया था, दूसरे विधान में भी आया था और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। वह दीदी डॉक्टर रेखा जैन का आभारी हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ भगवान की उपस्थिति में आप सबके सामने उपस्थित होने का मौका दिया है। हमारे पास मानव अधिकार आयोग के अंदर सबसे ज़्यादा जो केसेस आते हैं वह या तो पुलिस कस्टडी या जेल कस्टडी या बंदियों से रिलेटेड ही आते हैं। जितनी भी यहाँ पर नेचुरल या अननेचुरल डेथ्स होती है, प्राकृतिक या अप्राकृतिक, चाहे किसी प्रकार से भी उसकी मृत्यु होती है, उन सब की हम इंक्वायरी करते हैं। और उस इंक्वायरी के अंदर यदि किसी भी प्रकार की किसी भी बंदी के प्रति, चाहे मेडिकल उपचार के संबंध में हो, चाहे सुरक्षा के संबंध में हो, उसमें यदि किसी भी प्रकार की उपेक्षा पाई जाती है
तो हम शासन को, डीजीपी साहब को अपनी सिफारिश भेजते हैं उस पर्टिकुलर ऑफिसर के खिलाफ एक्शन लेने के लिए। ये केवल हम सागर जेल के लिए ही नहीं, मध्य प्रदेश की जितनी भी केंद्रीय जेल हो, चाहे जिला जेल हो, चाहे सब जेल हो, उन सब के लिए एक ही प्रोसीजर हमारे पास अडॉप्ट करते हैं हम। जो भी कंसर्न व्यक्ति है, ऑफिसर है, उन सबको बुला करके, उनके बयान लेकर के, उनसे जिरह करके सत्य को निगलवाने की कोशिश करते हैं और सही सिफारिश करने की कोशिश करते हैं। मैंने अपने पहले विधान में, दूसरे विधान के टाइम पर भी जो भी आपकी समस्याएं उस समय आई थी, सबसे पहले रेखा दीदी ने व अन्य कैदियों ने एवं मुझे अन्य सोर्सेस से पता पड़ा था कि बंदियों को अपनी मजदूरी का पूरा पैसा यहाँ पर नहीं मिलता है। तो मैंने डीजीपी जेल साहब से शासन लेवल पर बात की थी और वो बड़े उदार रहे, और उसके बाद में हाथकरघा से संबंधित जितनी वेजेस, जितनी मजदूरी जो ट्रस्ट के द्वारा दी जाती है, वो सब अब उनको पूरी मिलने लगी है। इसी प्रकार से पेरोल के मामले में भी हमने इनिशिएटिव लिया। वो एक बताएगी कि हजारों एप्लीकेशंस मध्य प्रदेश की जेलों में से संबंधित अधिकारियों के पास पेंडिंग है, तो वो दो साल पहले भी हमने सिफारिश की थी। और अब तो अभी अरविंद कुमार जी ने आपके सामने बताया कि हमने मैक्सिमम इस कोरोना पीरियड के अंदर तो 300 दिन तक की पेरोल की छूट दी है। यह एक बहुत ही खुशी की बात है और एक बहुत ही सकारात्मक कदम आप लोगों के हित में शासन द्वारा, अच्छे उच्चाधिकारियों द्वारा उठाया गया है। जो अन्य बात खादी ग्रामोद्योग के बारे में है, वो अभी प्रवीण कुमार जी ने भी और अनुभा जी ने भी आप लोगों के सामने बताया कि उनके विभाग से संबंधित जो भी कोऑपरेशन होगा, वो निश्चित रूप से देने में कोई कसर वो नहीं छोड़ेंगे। धागा के लिए जो कॉटन उपलब्ध नहीं हो रही थी, वह अभी प्रवीण कुमार जी ने, अनुभा जी ने अश्योर किया है कि वो निश्चित रूप से इस बारे में विचार कर फैसला लेंगी। रेखा जी ने जो अभी बताया था कि कबीर पुरस्कार के मामले में, कि केवल इसीलिए बंदी भाइयों को मना नहीं करना चाहिए उस पुरस्कार से कि वो जेल के अंदर कैदी हैं। वैसे अनुभा जी ने अभी क्लियर कर दिया है कि अभी हमने फाइनल फैसला नहीं लिया है, और यह है उनकी एक सकारात्मक एवं सही सोच है। मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने एक नहीं ऐसे 50 फैसले कर दिए हैं, और हमने अपने आयोग के लेवल पर भी 50 फैसले कर दिए हैं। और जब मैं हाईकोर्ट में जज था और हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस था, तब भी हमने ऐसे सैकड़ों फैसले किए हैं कि बंदी यहाँ पर केवल अपने किए गए अपराध की सजा पाने के लिए और उसके लिए सुधारात्मक कदम उठाने के लिए चार दीवारी के अंदर बंद है, अन्यथा उसमें एवं समान नागरिक में कोई फर्क नहीं है। मैं आपको अनुभा जी क्लियर कर दूं कि आर्टिकल 141 के अंदर, आप जानती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजमेंट्स सभी कोर्ट्स के ऊपर एवं सभी शासन के अधिकारियों के ऊपर बाइंडिंग नेचर के होते हैं, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकती। और आप देखेंगी कि सुप्रीम कोर्ट के ऐसे 50 जजमेंट मिल जाएंगे, और यदि आप चाहेंगे तो मैं आपको भिजवा भी दूंगा कि सभी कैदियों को कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में जो संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं, मूलभूत अधिकार जिनको हम नैसर्गिक अधिकार भी कह सकते हैं, मानव अधिकार भी कह सकते हैं, वो सब उनको प्राप्त हैं। और हम इन सब चीज़ों को हमारे सिफारिश करते समय हम देखते भी हैं
जैसे आपको यहाँ हेल्थ का अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार है, भारत के पार्लियामेंट ने सीआरपीसी के अंदर संशोधन करके धारा 55A जोड़ी है और उसके तहत यदि शासन ने किसी को किसी अपराध में गिरफ्तार किया है और जेल में या थाने के अंदर उसको निरुद्ध किया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी सुरक्षा का और स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे। और जितनी भी उपेक्षाएँ स्वास्थ्य के संबंध में और सुरक्षा के संबंध में यदि हम पाते हैं तो हम हमारी इंक्वायरी के तहत जो हम जांच करते हैं, हमने सभी कैदियों के वारिसों को, उनके उत्तराधिकारियों को मिनिमम 5-5 लाख रुपए का कंपनसेशन शासन से दिलवाया है। और इस बारे में मैं जो डीजीपी जेल अरविंद कुमार जी है उनके भी प्रशंसा करना चाहूँगा कि मैंने जब इनको अपने ऑफिस में इस बारे में चर्चा के लिए बुलाया, ये आए और इनका दृष्टिकोण मैंने देखा बड़ा ही सकारात्मक था। मैंने इनको बताया कि साहब हमने 2 साल के अंदर लगभग 400 सिफारिशें की हैं, उसमें से हमने मुश्किल से कोई 38 केसेस में हमने कंपनसेशन देने की सिफारिश की है, बाकी 450 में तो जहाँ पर नेचुरल डेथ थी हमने कोई सिफारिश शासन को नहीं की, लेकिन जो अननेचुरल डेथ जिसमें अधिकारियों की उपेक्षा पाई गई है कि बंदियों को सुरक्षा प्रदान नहीं की गई या बंदियों को स्वास्थ्य की सुविधा तुरंत उपलब्ध नहीं कराई गई या उनके और किसी भी संवैधानिक अधिकार जो भारत के संविधान में उनको दिए गए हैं, जो सामान्य नागरिक को दिए हुए हैं, वो भी सामान्य नागरिक मानते हुए सभी संवैधानिक अधिकारों के पात्र हैं। तो आपको ये जो कबीर पुरस्कार वाली जो बात है, जो अब मेरे को ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अभी ये सब आपके सामने ही अनुभा जी ने इस चीज़ को स्वीकार किया है कि अभी हमने फाइनल नहीं किया है और आप लोगों के बारे में विचार करेंगी। यदि वास्तव में यहाँ पर भी कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति है तो उसका नाम उजागर होना चाहिए और शासन स्तर पर यह भी होना चाहिए कि जेल के अंदर बंदी रहते हुए उन्होंने कितना रिफॉर्मेशन का काम किया है और यहाँ सीखा है और अपनी कला दिखाने का मौका आप लोगों को दिया है। एक जो दूसरी बात जो सागर जेल में आईटीआई हाथकरघा के बारे में कही गई है, वो निश्चित रूप से मैं यहाँ के जेल अधीक्षक महोदय को और डीजीपी जेल साहब को और बाकी जो भी संबंधित अधिकारी हैं हाथकरघा से संबंधित, उस वह फाइल ऑलरेडी चल रही है और आप उस पर सकारात्मक विचार करके और करें। और ट्रस्ट की तरफ से मैंने ये सुना हुआ है और उनका एश्योरेंस है कि जितना भी कार्य वो इस बारे में कर सकेंगे, सहयोग दे सकेंगे, जितना भी मोनिट्रियल बेनिफिट खर्चा होगा वो ट्रस्ट करने को तैयार होगा। शासन के ऊपर कोई ज़्यादा इस पर खर्चा भी करने की नौबत नहीं आने वाली। और बाकी जो भी समस्याएं आपसे संबंधित मेरे को जो प्राप्त होती रहती है आपके पत्रों के जरिए, रेखा दीदी के जरिए या आपके जो भी रिप्रेजेंटेटिव आपके घर वाले जो हमारे पास प्रार्थना पत्र आते रहते हैं, हम उन पर निश्चित रूप से विचार करते हैं और विचार करके उस पर संविधान के प्रावधानों के हिसाब से, जेल मैनुअल के प्रावधानों के हिसाब से, सीआरपीसी के प्रावधानों के हिसाब से हम न्याय के अनुरूप फैसला करके अपनी सिफारिश आप लोगों के हक में संबंधित अधिकारियों को, शासन के अधिकारियों को, विभाग के अधिकारियों को हम भेजते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को सुविधा मिल सके, आपके अधिकारों से आपको वंचित नहीं होना पड़े। क्योंकि समय की सीमा है, हमको आगे यहाँ से अब पटनागंज रैली भी जाना है, आचार्य श्री के दर्शन भी करने हैं और डीजीपी जेल साहब भी, वन्य अधिकारीगण भी साथ जाएंगे। मैं
डीजीपी जेल साहब को ये जरूर कहूँगा कि आपने जो यह माहौल सागर जेल के अंदर देखा है वह आप मध्य प्रदेश की सारी जेलों का के अंदर हो इस प्रकार की व्यवस्था करवाएं। यह जो ट्रस्ट जिसका नाम मैंने आपको बताया समर्थ दर्शन ट्रस्ट, आप उसको बुला करके बात कर सकते हैं, सारा पैसा खर्च करने को तैयार है। मैं 4 साल पहले इंस्पेक्शन के लिए आया, जब ये बिल्डिंग नहीं थी, इसके सफाई हो रही थी, मैंने पूछा ये क्या हो रहा है, तो कहे साहब इसके अंदर आचार्य श्री का आशीर्वाद मिला है और ट्रस्ट 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा खर्च करेगा, बिल्डिंग तैयार होगी, व्यक्तियों को फ़ायदा मिलेगा, बंदियों को फ़ायदा मिलेगा। तो मैं तो आपसे ये अनुरोध करूँगा अरविंद कुमार जी से, अभी अपन जब आचार्य श्री से मिलने जाएँ तो आप और जेलों में भी इसी प्रकार का कार्यक्रम चालू करने के लिए आप यदि उनसे बात करेंगे, निवेदन करेंगे, तो निश्चित रूप से मैं ट्रस्ट के जितने भी जो अध्यक्ष वगैरह जो पदाधिकारी हैं मैं उनसे बात कर आपके पास भेजूंगा, पूरा सहयोग देंगे। शासन लेवल पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, बात करूंगा, और यदि होता है बंदी भाइयों का फैसला होता है, जो इन्होंने अपराध किया है उसकी सजा तो ये काट ही रहे हैं, लेकिन जो उनके संविधान के अंदर संवैधानिक अधिकार है वह उनको मिल सके और इस प्रकार का माहौल मिल सके, सकारात्मक सोच सके और सीख कर कुछ जा सके। जब ये रिलीज होते हैं तो ट्रस्ट इनको लगभग 21,000 रुपये का सामान, हाथ करगा, धागा आदि सब फ्री देता है, ताकि ये निकलने के बाद में डे वन से पहले दिन से किसी पर निर्भर नहीं रहें और अपनी आजीविका कमाना चालू कर अपना व अपने परिवार का पेट भर सके। तो ऐसे पुण्य काम को, ऐसे अच्छे काम को एनकरेज करना चाहिए। मेरी तरफ से जो भी सहयोग मिलना है या सिफारिश की जरूरत पड़ेगी मैं आपके साथ हूँ, अपने लेवल पे भी करूँगा और बिल्कुल जैसा आप कहेंगे वह भी मैं साथ देने को, सहयोग देने को तैयार रहूँगा। क्योंकि समय हो गया है, हमको इस समय तो निकलना था। लास्ट में मैं रेखा दीदी का, अच्छा माता जी का प्रवचन होना है, तो खैर कोई बात नहीं है, मैं 10 मिनट में भी लूँगा थोड़ा सा, और समय आगे समय भी की भी सीमा है। तो अंत में मैं रेखा दीदी का भी, वह नीलम दीदी जो दोनों साथ आई थी, उनका भी वह अन्य दीदियों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि इतना सुंदर प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज किया और मेरे को उपस्थित होने का मौका दिया। जय महावीर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बस हम तो ये कहते हैं आप हमसे एक वादा जरूर कर जाएं, क्योंकि 6 महीने बाद आप मानव अधिकार आयोग के पद से भी रिटायर होंगे। सर अपने मालूम कितनी उम्र के हैं? 69.5 साल। सही बोल रहे हैं? सोचिए, हम तो आपसे एक ही चीज़ कहते हैं कि सर जहाँ भी हमारे जेल में विधान होंगे, आप कहीं भी रहें, उस विधान में आप आएंगे। आज हमसे इतना वचन दे के जाएँ, हमें आप जैसा ही बड़ा भाई चाहिए जिन्होंने सहयोग किया। वाणी को यहाँ पर विराम देते हुए हम अपनी परम बंदनी आरिका माँ वात्सल्यमयी माँ आरिका रणमती माता जी के चरणों में बारंबार निवेदन करते हैं कि माता जी यहाँ जितने प्राणी बैठे हैं, मनुष्य नहीं त्रिरंच भी आपके आजू बाजू घूम रहे हैं, सबको आपका आशीर्वाद मिले। इसी भावना के साथ बंदामी बंदामी बंदामी। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। गुरुदेव के चरणों में 4 पंक्तियाँ। सूरज तुम्हें नमन करता है, अंबर शीस झुकाता। सूरज तुम्हें नमन करता है, अंबर शीस झुकाता। तारे सब मिल करें आरती, तारे सब मिल करें आरती, चंद्रमा गुण गाता। सृष्टि करे वंदना आपकी, सृष्टि करे वंदना आपकी, गूंज रहा जयकारा है जेल के इस पवित्र क्षेत्र में। शत शत नमन हमारा है, शत शत नमन हमारा है। जय बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की,
आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, श्री वीतरागी राम भगवान की, वीतरागी श्री हनुमान भगवान की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, परम पूजनीय आरिका रत्न मां द्रणमती माता जी की, वंदनीय आरिका संघ की। वैसे तो यह जिंदगी बहुत खूबसूरत है, वैसे तो यह जिंदगी बहुत खूबसूरत है, पर इसे समझने की, पर इसे ठीक ठीक समझने की जरूरत है। नहीं समझे तो शैतान का घर है, नहीं समझे तो शैतान का घर है, और जो समझ गए तो भगवान का घर है, समझ गए तो भगवान का घर है। आप सभी समझते हैं इस बात को कि हमारा जीवन हमारी पूंजी है। इस जीवन में कभी खट्टा तो कभी मीठा स्वाद आता है। व्यक्ति के एक हाथ में करोड़ों की संपत्ति हो और दूसरे हाथ में मानव जीवन हो, मानव की जिंदगी हो, तो आप सभी विचार करिएगा इसमें मूल्यवान कौन होगा। एक हाथ में करोड़ों की संपत्ति, अरबों की संपत्ति, और दूसरे हाथ में मनुष्य की जिंदगी, आप सब समझते हैं कि मनुष्य की जिंदगी का महत्व ज्यादा है, क्योंकि जिंदगी नहीं रहेगी तो संपत्ति का क्या महत्व होगा। आज यहां पर हम सभी को अपनी मानव जिंदगी के सही सही अर्थों को समझने का अवसर प्राप्त हुआ है। गुरु का उपदेश हम सबको प्राप्त हुआ है, और ऐसे महान गुरु जिनका आवाल वृद्ध भारत ही नहीं, विदेशों में भी सबके अधरों पर जिनका नाम हो, ऐसे गुरुदेव जिनके मुखारविंद से प्रथम बार आवाज आई कि ये इंडिया नहीं, ये भारत देश है। भारत का दूसरा नाम जो पर्यायवाची नाम के रूप में इंडिया को कहा जाता है, वह पर्यायवाची नाम हो नहीं सकता, ये सभी जानते हैं। आचार्य श्री जी ने संदेश दिए हैं आयुर्वेद पूर्णायु कल्प का प्रकल्प का। आचार्य श्री जी ने आशीर्वाद दिया है भाग्योदय जैसे अस्पताल के लिए, जहां पर स्वस्थ होने के लिए व्यक्ति आश्रय पाते हैं। आचार्य श्री जी ने शिक्षा प्रणाली के क्षेत्र में इस मध्य प्रदेश में एक नहीं पांच पांच प्रतिभा स्थली के प्रकल्प दिए हैं। आचार्य श्री जी ने ये पूरा आर्य का संघ, इतना ही नहीं 172 आरिकाओं का संघ समाज को प्रदान किया है, और सैकड़ों मुनि राजों का मुनि संघ, श्रमण संस्कृति को उद्धार करने वाले श्रमणों का संघ प्रदान किया है। और आचार्य श्री जी ने पुरुष वर्ग के लिए श्रमणचर्या का पालन करने के लिए पूर्व भूमि का स्वरूप शुल्लक के रूप में समाज को शुल्लक संघ प्रदान किए हैं, और नारी जाति के लिए, महिला वर्ग के लिए जो गृहस्थ बन चुकी, उनके लिए ये एक साधिका आश्रम का प्रकल्प भी अभी अभी कुंडलपुर के महा महोत्सव में प्रदान किया है। उसी में से यहाँ पर ये 14 नारी शक्ति उपस्थित है, जिनको एक साधिका आश्रम के रूप में सागर शहर में खोलने का आशीर्वाद दिया है, कि जो अपने जीवन को नियंत्रित संयत होकर के सफल जीवन जी सके,
और अपनी जिंदगी की अंतिम श्वास में प्रभु का नाम लेकर के इस मानव शरीर से विदा ले सके। प्रथम प्रारंभ में ही एक भाई ने मंगलाचरण प्रस्तुत किया था, कितने सुंदर भाव उसमें संजोए हो कि हम बंदी थे, हम मुश्किलों में थे, हम आश्रय से रहत थे, शरण विहीन थे, गुरु ने आकर के मुझे संभाला, उन्होंने शरण दी, उन्हें दिशा, हमें दिशा प्रदान की, हमें संभाला। ऐसे गुरु मानो इस युग में भगवान बन करके ही अवतरित हुए हैं, जिनके दर्शन करके लोग कहते हैं मैंने सुना था भगवान होते हैं, लेकिन आज हमने इस धरा पर और बुंदेलखंड की धरा पर साक्षात भगवान के दर्शन किए हैं। उन गुरुदेव की वंदना सारी सृष्टि करती है। जो गुरु हमें प्रकृति में जीना सिखाते हैं, प्रकृति के साथ जीवन जियो ये संदेश देते हैं, जो विकृति के साथ जीता है उसे ऐसे स्थानों पर आना पड़ता है। लेकिन ये सागर, मध्य प्रदेश की सागर की ये प्रथम जेल है जहाँ इनको ये सिखाया जा रहा है कि तुमसे अपराध हुआ है, तुम अपने जीवन में इस सजा को भोग करके जीवन को सजा सकते हो, अर्थात सवार सकते हो, और सवारने के लिए गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आपके समक्ष डीजीपी साहब और भी मुख्य अतिथि महोदय और भी जो भी यहाँ उपस्थित हुए हैं, उन सभी अतिथि जनों ने अपने विचार आपकी संवेदना के रूप में प्रकट किए हैं। और गुरुदेव तो लोकहितैषी हैं, उनका तो हमेशा हमेशा, चाहे अपराधी हो चाहे निरपराधी हो, सबके साथ समान भाव होता है, समत्व भाव होता है, तभी तो वो श्रमण कहे जाते हैं, अन्यथा हम में और उनमें क्या अंतर होता है। ऐसे श्रमण का उपदेश, ऐसे श्रमणों का आशीर्वाद, जिनका नाम लेते ही आपके हाथ उनके सम्मान में तालियां बजाने के लिए उठ जाते हैं, और आपके ये तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज़ ध्वनि प्रतिध्वनि होते 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 कहाँ तक पहुँचेगी, जहाँ आचार्य श्री जी विराजमान है। और साक्षात अतिथिगण गुरुदेव के चरणों में पहुँचने वाले हैं, वे स्वयं यहाँ की प्रशंसा, भूरी भूरी प्रशंसा किए बिना तो नहीं रहेंगे। अभी अपन ने सभी ने उनके विचारों को सुना, और यहाँ तक मुझे विदित हुआ कि ऐसे ऐसे भी विचार हैं, और उन्होंने साक्षात भी कहा कि मैं यहाँ हर कार्यक्रम में आया हूँ, विधान के इस सुंदर वातावरण में, सुंदर एक कार्यक्रम में जहाँ त्रिलोकीनाथ भगवान का समुशरण लगा हो और इतना शांत वातावरण हो, सभी के दिल में, सभी के मन में, सभी के चित्त में एक शांति और आनंद की लहर जहाँ अनुभूत हो रहे हो, ऐसे इस वातावरण में सुंदर कौन होता है। तो किसी ने कहा है कि जिसके कर्म सुंदर हो, जिसके कर्म सुंदर होते हैं उसके विचार सुंदर होते हैं, जिसके विचार सुंदर होते हैं उसकी वाणी सुंदर होती है, जिसकी वाणी सुंदर होती है उसके व्यवहार सुंदर होते हैं, और जिसके जीवन में ये सभी होते हैं वो मानव जाति सबसे सुंदर होती है। मानव अधिकार आयोग से मुख्य अतिथि गए यहाँ उपस्थित है। वास्तव में उन्होंने अपनी संवेदना के साथ, चेतना के साथ आप लोगों को अधिकार देने का पूरा पूरा प्रयास किया। कौन से अधिकार? हम मानवता के साथ जिए, मानवता के साथ जो जीता है उसका जीवन उन्नत बनता है, और जो मानवता से छूट करके पशुत्व को अपनाता है उसका जीवन निम्न होता है, अवनत होता है। ऐसे मानवता का पाठ पढ़ाने वाले संतों के चरणों में जो पहुंचता है बहुत बहुत आशीर्वाद प्राप्त करता है। यहाँ मध्य प्रदेश में प्रथम केंद्रीय जेल सागर का
जहाँ यह सुंदर वातावरण बन चुका है, जहाँ धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, जहाँ स्वावलंबी जीवन जीने के लिए हथकरघे जैसे कल्प का प्रकल्प का यहाँ पर शुभारंभ हो चुका है, जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा सभी ने की है। और इस प्रशंसा के पात्र कौन है तो कौन क्या कहे, सभी के मुख से जयकार निकलेगा, वो है आचार्य श्री गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। वास्तव में उन्होंने अपने जीवन में अपने ही हित के लिए नहीं, मानव हित के लिए बहुत सारे प्रकल्पों का आशीष प्रदान किया है। समय अधिक हो रहा है, इसलिए मैं भी एक बात कह करके विराम लेना चाहूँगी, जो कि बहन रेखा जी ने, इनका प्रयास बड़ा सफल प्रयास है, एक नहीं मैंने कई कार्यक्रमों को ऐसे अटेंड किया है, चाहे वो महिला सम्मेलन का रहा हो, चाहे जेल का कार्यक्रम रहा हो, चाहे समाज में जो बच्चियों के लिए सदाचार की ओर आगे बढ़ने के लिए शिविर संबंधी कार्यक्रम रहे हो, सभी सफल हुए हैं। और ये कार्यक्रम भी सफलता के साथ कल ध्वजारोहण के साथ प्रारंभ हो चुका है, जिस ध्वजारोहण की दिशा पूर्व दिशा रही, इष्ट सिद्धि प्रदायक जिसका फल होता है। आप सबने जो जो भी यहाँ इष्ट भावना रखी है, वो सारी इष्ट भावनाएं सफल हों, इसके लिए आप जा रहे हैं पटना गंज क्षेत्र की ओर गुरुदेव से आशीर्वाद लेने के लिए। इन्होंने एक प्रश्न रखा था कि विज्ञान हमें ये बता दे, गुरुत्वाकर्षण के साथ साथ एक कौन सी शक्ति है जो ऊपर की ओर ले जाती है, तो वह गुरुत्वाकर्षण तो नीचे की ओर ले जाने वाली शक्ति है, लेकिन वो कोई शक्ति है, महाशक्ति है, प्रभु की शक्ति है, गुरु की भक्ति है, प्रभु की भक्ति है मानव के अंदर, जो मानव को मानवता से ऊपर की ओर ले जाती है और भगवत्ता की ओर प्रवेश कराती है। दो ऑफिसर्स थे, उनके आपस में बात चल रही थी कि आपकी दिनचर्या क्या है, एक आस्तिक था एक नास्तिक था, आस्तिक जो था उसकी दिनचर्या क्या थी तो उसको जानना चाहता था नास्तिक ऑफिसर। तो उसने पूछा आपकी क्या दिनचर्या है, उस आस्तिक ऑफिसर ने बताया मैं सुबह सुबह से उठता हूँ, शारीरिक सारे कार्यों से निवृत्त होकर के, आवश्यकताओं से निवृत्त होकर के 10 मिनट भगवान का स्मरण करता हूँ, गुरु का स्मरण करता हूँ। उसने जैसे ही सुना इसके उपरांत किसी कार्य में प्रवेश करता हूँ, तो उस नास्तिक ऑफिसर ने सुना और सुनते ही उसने कहा कि अरे क्या बात करते हो, विज्ञान ने आज तक भगवान का आविष्कार नहीं किया, और जब विज्ञान ने आविष्कार नहीं किया है तो तुम्हारे जिंदगी के अभी तक के इन दिनों के 10-10 मिनट प्रतिदिन के बेकार जाएंगे। तो वह आस्तिक ऑफिसर क्या कहता है, महाशय जी ध्यान से सुनिए, विज्ञान ने अभी तक परमेश्वर का आविष्कार नहीं किया, कोई बात नहीं आपका विश्वास अगर ये कहता है तो मेरे 10-10 मिनट ही बर्बाद होंगे, लेकिन जिस दिन विज्ञान ये कह देगा कि परमेश्वर की शक्ति है, उस दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और कौन इस भारत देश में ऐसा कह सकेगा कि ईश्वर की शक्ति नहीं है, धर्म की शक्ति नहीं है, अरे इस परिसर में हम बैठ कहाँ पाते अगर हम परमात्मा की शक्ति पर विश्वास न करते और धर्म की शक्ति पर विश्वास न करते। हम सभी यहाँ पर धर्म और परमात्मा की शक्ति को मान करके बैठे हैं, और ईश्वर की शक्ति सबके अंदर है, एक बंदी के अंदर भी है और हमारे अंदर भी है और आपके अंदर भी है। उस शक्ति को उद्घाटित करने के लिए प्रभु के शरण में उनकी भक्ति करेंगे और हम अपनी परमात्मा शक्ति को उद्घाटित करने का प्रयास करेंगे। बंदियों के लिए मैं एक बात अंत में कहना चाहूँगी कि आप वैसे बंदी मत बनना। कैसे, मैं एक बात बता दूँ, एक प्रसंग मैंने पढ़ा था, एक जेल से बंदी रिहा हो रहा था और घर की ओर जा रहा था, जाते जाते कुछ बंदी तो निकल गए और एक बंदी एक कैदी जेल से जा रहा था और जेल का जो कंबल वो ओढ़ता था वो कंबल साथ में ले जा रहा था। जेलर साहब ने देखा,
से कहा, क्यों ये कंबल कहाँ ले जा रहे हो? तो कहता है, जेलर साहब चिंता ना करें, मैं आज आपका कंबल ले जा रहा हूँ, कल फिर मुझे यहाँ आना है। मतलब कल फिर कोई अपराध करके फिर जेल में आएगा, ऐसा बिल्कुल मैं भरोसा नहीं रखती आप लोगों से, क्योंकि आप इतने अच्छे वातावरण में हैं कि अब कभी आपको जेल में पुनः जाने का अवसर नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। आपकी संकल्प शक्ति, आपकी सृजनात्मक शक्ति, सब कुछ आपके पास है। आप सब पूर्व किए गए पाप का पश्चाताप कीजिए, त्रिलोकीनाथ की शरण में बैठे हो। हे प्रभु मेरे द्वारा, हाथ जोड़िए सभी, हे प्रभु मेरे द्वारा मैं भी शामिल हूँ संसार में। जब तक हूँ फल क्या है? संसार स्वयं एक बड़ी जेल है, उसमें हम सब हैं। हे प्रभु आप इस संसार की जेल से ऊपर उठ चुके, मुक्ति धाम को प्राप्त हो चुके हैं, सिद्धत्व को प्राप्त कर चुके हैं, परमात्मा अवस्था में पहुंच चुके हैं। हे प्रभु मैं ये भावना करती हूँ कि यहाँ बैठ करके शुद्ध मन से, पवित्र विचारों से और पवित्र भक्ति के द्वारा ऐसी भक्ति करूँ, ऐसी भक्ति करूँ कि मेरे अंदर भी परमात्मा की शक्ति प्रस्फुटित होने के लिए, अभिव्यक्त होने के लिए आज से ही प्रारंभ हो जाए वह पुरुषार्थ हम लोगों का, और सबका पुरुषार्थ सफल हो। यही मेरी सद्भावना है, यही मेरी भावना है, और गुरु के चरणों में अपन सभी नमन करते हैं कि संयम सौरभ साधना, संयम सौरभ साधना जिनको करे प्रणाम, और त्याग तपस्या तीर्थ का विद्यासागर नाम। जय बोलिए आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जय। बोलिए परम वंदनीय आरिका माँ द्रणमती माता जी की, वंदनीय आरिका संघ की। और जैसे हमेशा कार्यक्रम संपन्न होते हैं उसके आभार प्रदर्शन के लिए हम अपने जेल विभाग के DIGC संजय पांडे सर को यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं, वो आए। बस आभार बाकी है, जिन बड़ी स्थिति आज अपन, हाँ दोपहर का बता देते हैं। दोपहर में भाई सत्येंद्र शर्मा जो अपने पंच कल्याणकों में नाटिका करने आते हैं, वो सत्येंद्र शर्मा जी आएंगे 4:30 से 6 बजे तक यहाँ पर नाटक होगा। नाटिका होती है सामाजिक विषयों को लेकर के होती है, तो बंदी भाई जेल अधीक्षक साहब जैसी व्यवस्था करेंगे वैसे करेंगे। जो इंद्र राणी आना चाहते हैं वो अपना पास लेकर के और जो नियम वाली उसको लेकर के आएंगे, मानी संजय पांडे DIG से। जय जिनेन। किसी का दिल न दुखाना यह हमें भगवान महावीर ने सिखाया, जो करे सेवा औरों की वही जैन कहलाया। मैं आभारी हूँ मंचासीन साध्वी समाज का, उपस्थित जैन समाज का, और विशेष रूप से रेखा दीदी का कि इन्होंने भगवान महावीर का जो संदेश था अहिंसा परमो धर्मा का, जिसे महात्मा गांधी ने जन जन तक पहुंचाया, फलीभूत किया, उसकी अवहेलना हम सब ने की, जिसका दुष्परिणाम ये हुआ कि हमें इस चार दीवारी के अंदर आना पड़ा। आज निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के माध्यम से भगवान महावीर का, महात्मा गांधी का, अहिंसा परमो धर्मा का जो संदेश है वह हमारे सारे बंदी भाइयों का मार्ग प्रशस्त करेगा और उन्हें इस बात के लिए प्रेरित करेगा कि समय काल परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, कभी कोई ऐसी त्रुटि ना हो जिसके कारण दोबारा इस चार दीवारी के अंदर आना पड़े। इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से आभारी हूँ जैन समाज का और जैन सम्यक सहकार संघ का, जिन्होंने न सिर्फ अहिंसा परमो धर्मा के सिद्धांत के साथ हमारे बंदियों को इस बात के लिए भी उत्साहित किया कि वो जेल पर नए नए काम सीखें, जिससे बाहर जाकर वो अपने परिवार के, समाज के निर्माण में सहयोगी और सहभागी बनेंगे। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय जस्टिस NK जैन साहब का, जिन्होंने अपनी इतनी व्यस्तता के बावजूद इस कार्यक्रम के लिए अपनी सहर्ष स्वीकृत प्रदान की। शायद मध्य प्रदेश के पूरे 50,000 बंदी जो कि अनूपपुर से लेकर सुदूर अलीराजपुर तक की जेलों में बंद हैं, वो इस बात के लिए भली भांति जानते हैं कि जस्टिस जैन हमेशा बंदियों के लिए कितने चिंतित होते हैं, और किसी भी छोटी छोटी त्रुटि के लिए उन्होंने लगातार मध्य प्रदेश शासन का ध्यान आकर्षित कराया है और पूरा प्रयास किया है कि किसी भी बंदी के प्रति कहीं भी अन्याय ना हो। फिर भी विगत वर्षों में हमने देखा कि हमारे कुछ बंदियों ने समय काल परिस्थिति हताशा आदि के कारण
जेल पर रहते हुए भी अपनी हताशा को नहीं संभाल पाए और उन्होंने अपने आप को चोटिल कर लिया। जस्टिस जैन साहब ने हमें निर्देश दिए कि किसी भी स्थिति में बंदी की सुरक्षा का दायित्व आप सबका है और उसे जेल पर पूरी तरह से सुरक्षित होना चाहिए और इसके लिए आपने एक निश्चित नीति बनाई है। और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि उनके निर्देश पर हमारे महानिदेशक जेल ने गत वित्तीय वर्ष में 70 लाख रुपये कंपनसेशन विभिन्न बंदियों के परिजनों को भुगतान किया है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जस्टिस जैन साहब का सारे जेल अधिकारी सारे पुलिस अधिकारियों के बीच हमेशा कहते ना भय बिन प्रीति न हो ही गोसाई, तो भय ही है जिसके कारण हम हमेशा इस बात के लिए सतर्क रहते हैं कि ऐसी कोई त्रुटि ना हो जाए जिससे जस्टिस जैन साहब का हस्ताक्षरित कोई कागज हमारे पास आ जाए और किसी जेल अधीक्षक की या पुलिस अधीक्षक की 3 दिन तक की नींद जो है खराब हो जाए। इस बात के लिए हम हमेशा चिंतित रहते हैं और यही कारण है कि आज मध्य प्रदेश की जेलों में पहले की तुलना में बहुत अच्छी मानवीय परिस्थितियां हैं और हम देख रहे हैं इस तरह के कार्यक्रम हमारे बीच हो रहे हैं। मैं हालांकि श्री अरविंद कुमार जी महानिदेशक जेल हमारे परिवार के मुखिया हैं, उनके लिए मैं आभारी कहूँ यह थोड़ा सा उचित नहीं है, धन्यवाद ज्ञापित करूँगा। यह हमारा अधिकार था कि वो हमारे कार्यक्रम में उन्हें हम बुलाते हो, ये वो यहाँ उपस्थित हुए हैं। लेकिन आप सबको जानकर आश्चर्य होगा कि इस कार्यक्रम में समय पर पहुंचने के लिए आज सुबह उन्होंने 250 किलोमीटर की यात्रा करके और सुबह 8 बजे पूरी यहाँ उपस्थित हो गए। यह उनकी संवेदना है और जो कि मध्य प्रदेश के पूरे 50,000 बंदियों के लिए हर समय चिंतित रहते हैं। मैं उन्हें याद दिलाना चाहूँगा, शायद मध्य प्रदेश शासन में दंड देने के लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे अधिकारी हैं, लेकिन मध्य प्रदेश शासन और भगवान महावीर की कृपा से आप मध्य प्रदेश के अकेले अधिकारी हैं जो दंड को क्षमा कर सकते हैं। गत वर्ष केंद्रीय जेल सागर के बंदियों को उन्होंने 1 माह की दंड से क्षमा प्रदान की थी। मेरा आज के इस कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए उनसे अनुरोध है कि वो वर्ष 2022 के लिए भी इस पर अवश्य विचार करेंगे। मैं आभारी हूँ अनुभव श्रीवास्तव मैडम का जिन्होंने यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मैडम मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके भोपाल में बहुत सारे मेले लगते रहते हैं जिसमें हाट बाजार वगैरह में तमाम तरह के हस्तशिल्प खादी ग्रामोद्योग का प्रदर्शन होता है। उन मेलों में जो कस्टमर्स आते हैं, जो दर्शक आते हैं उनको देखने के लिए, उनके मनोरंजन के लिए हमारे बंदियों के बनाया हुआ ऑर्केस्ट्रा जो है वो हर साल उन मेलों में जाता है और निःशुल्क बंदीगण अपनी सेवाएं उन मेलों में प्रदान कर रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उन मेलों में निश्चित रूप से जेल पर बनी हुई जो सामग्री है उसके लिए भी एक स्टॉल की स्वीकृति प्रदान करें जिससे जेल की बनी हुई सामग्री का जो है प्रदर्शन हो सके। मैं आभारी हूँ प्रवीण कुमार जी का जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के निर्देशक हैं, उनसे भी यही निवेदन है कि उनकी जो भी योजनाएं हैं उनको जेल में भी फलीभूत करने का प्रयास करें। मैं समस्त जैन समाज का आभारी हूँ, उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकों का आभारी हूँ। एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। और अब बाकी की कार्यवाही। ये दो ब्रह्मचारी भैया दिख रहे हैं, माननीय अधिकारियों का ध्यान चाहेंगे कि इतनी कम उम्र में, इतनी यंग उम्र में संसार छोड़ वैरागी की तरफ बढ़ें और वो भी इतने उत्कृष्ट प्रखंड विद्वान हैं। और भैया जी लोगों से जब हमने कहा कि भैया विधान कराना है जेल में और गुरुजी का आशीर्वाद है, बोले दीदी कोई बात नहीं, गुरुजी का आशीर्वाद है तो हम जाकर के कराएंगे। एक बार जोरदार पूरा सदन भैया के लिए ताली बजा दे और हम माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करेंगे कि वो 10 मिनट उनको आपको जहाँ होके आना है हो आए। हमारे DGP सर, हमारी MD मैडम और MD डायरेक्टर साहब, जब तक हम लोग जेल हथकरघा का निरीक्षण कर लेंगे। माननीय मुख्य अतिथि महोदय हमारे 3-4 बार आ चुके हैं, उनकी टीप मिलना थी मिल जाएगी। बाकी सारे अधिकारी जो है वो चल के हथकरघा का निरीक्षण करेंगे। आदरणीय भैया जी से निवेदन, आपकी कार्यवाही संपन्न कराएं। एक मिनट, सारे इंद्र रानियों से निवेदन है माता जी को शीघ्रता से निकल जाने देना, ठीक है, उसके बाद जाना तो इनको रोकने कहीं नहीं मिलेगा और फिर बाद में जय वाणी की ज्ञान से सूझे लोका लोक सुबाणी मस्तक धरो सदा दे थो दो हे जिन वाणी भारती तो ही जबु दिन रेन ज्योति रो शरणा कहे सो पावे सुखे नो बार नमो कर विसर्जन मात्र करना है 2 मिनट में हम विसर्जन करेंगे।
चलिए। हो बिन जानी बजान की रही टूट जुकोय, तुम प्रसाद के परम गुरु सो सब पूरन होए। पूजन विधि जानू नहीं नहीं जानू आह्वान, और विसर्जन हो नहीं क्षमा करो भगवान। मंत्रहीन धनहीन हूँ क्रियाहीन जिंदेव, क्षमा करो राखो मुझे देव चरण की सेव। श्रद्धा से आराध पद पूजे भक्ति भगवान, पूजा विसर्जन में करूं सदा करो कल्याण। ओम राम रीम रूम रोम रास्य औषधम।